This call is now being recorded. चलिए, तो वो मैंने बोला था आपका मॉक टेस्ट होगा, ठीक है। हाँ, एक बात, पेपर वन का मॉक टेस्ट है आपका, ठीक है। 3 यूनिट का नहीं होगा, मैथ का, डीआई का और रीडिंग कम्प्रिहेंशन का मैं नहीं लूँगा, ठीक है। उसके बाद सारे जो है उसको मैं लूँगा, ठीक है, मॉक टेस्ट। चलिए, तो सभी तैयार हो? सर आवाज़ कम आ रही है। हेलो 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 हेलो, आवाज नहीं आ रहा बस आ मैडम? रही है, आ रहा है सर। अच्छा, ठीक है। चलो सर, सभी रेडी हो ना? एवरीवन रेडी? ओके, चलो यस सर। फास्ट, चलो फास्ट क्वेश्चन देखो। चलिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेवल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ टीचिंग प्लेस स्ट्रेस ऑन द क्रिटिकल शिफ्टिंग ऑफ आइडिया एट द हाईएस्ट कॉग्निटिव लेवल। इसमें आपको बताना है कौन सा आपका जो है रिफ्लेक्टिव हाईएस्ट लेवल है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग में रिफ्लेक्टेड, और कौन सा होगा। रिफ्लेक्टिव हाँ, और एक बात, सब अपना अपना नंबर जो है ना ऐड करना, किसका कितना मिल रहा है लास्ट में सही बताना, ठीक है। चीटिंग मत करना कोई, सर। ओके, आज तो लॉजिकल रीजनिंग का लेने वाले थे ना। सब होगा। ओके सर, हमको कुछ डाउट्स है इसलिए क्लियर करना था कल के एग्जाम के। कोई नहीं, सब है, लॉजिकल रीजनिंग भी है, पूरे पेपर का मॉक टेस्ट है आज, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन चलो देखते हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन क्या बताना है। चलो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इन द कॉग्निटिव एंड इफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स ऑफ लर्निंग। क्या होगा, एनालाइजिंग, इवैल्यूएशन, अवेयरनेस, कैटराइजिंग एंड की नेशनलाइजिंग। आपका ऑप्शन ए वन है, ए बी एंड सी। ऑप्शन दो टू है आपका, बी ए डी एंड ई। थ्री आपका है बी सी एंड डी। फोर्थ सी डी एंड ई, बताओ कौन सा होगा। एक्चुअली मैं किसी का जो है ना वो देख नहीं पा रहा हूँ मैसेज, तो आप सभी मुझे बताना, ठीक है, क्योंकि मेरे पास लैपटॉप नहीं है तो मैं नहीं देख सकता। ओके, सेकंड होगा सर, बी इवैल्यूएशन, अच्छा ठीक है। और कोई, सभी को लगता है कौन सा होगा भाई, बताओ सर। सही ये का सही। दोनों मिला के तो अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन तो अलग अलग है, इनकी दोनों मिला के क्वालिटीज बताना है। हाँ सब बताना है, इसमें लिखा है ना कॉग्निटिव लेवल, 3 लेवल होता है, हाँ जो सर, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो होता है ना, उसमें 3 लेवल होता है, कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड साइकोमोटर, उसका 3 होता है। तो आपका बताना है इसमें से, यहाँ पर जो आपका है ऑप्शन है ए बी सी डी एंड ई, इनमें से कौन सा होगा आपको बताना है। कोड जो आपका दिया गया है ए 1 2 3 4 में कौन सा होगा बताना है, कौन सा होगा। बताओ, कौन सा होगा, मेरे वॉइस नहीं आ रहा है। सेकेंड लग रहा है सर, आ रही है सर आवाज। ठीक है, सेकंड, ओके, चलो सेकंड लग रहा है तो ठीक है। मैं आंसर बताऊँ या नहीं बताऊँ, फिर बताओ आंसर भी बताना है, बाद बताना, ठीक है। इसका आंसर, बताइए सर। हाँ इसके आंसर सेकंड, ठीक है। पहले इवैल्यूएशन होता है, उसको इसको हम कैरेक्टराइज करते हैं, नेट नहीं करते हैं, क्योंकि अवेयरनेस एनालिसिस नहीं होता है, ठीक है। तो ये वाला होगा बी डी एन ई। चलो आगे करो, ये वाला सर स्क्रीन काफी छोटी दिख रही है सर, और ब्लर है। ब्लर हाँ, ब्लर है, दिखाई नहीं दे रहा सर। मैं जूम कर दूँ, आप देखो क्वेश्चंस पढ़ के दिखाएं सर। जूम कर दिया, देखो अभी हेल्पिंग बिहेवियर इफेक्टिव टीचिंग, आपको हेल्पिंग बिहेवियर बताना है, ये आपका हेल्पिंग बिहेवियर है ए बी सी में, और आपको बताना है डिस्क्रिप्शन कौन सा होगा, ठीक है। बताना है कि यूजिंग स्टूडेंट आइडिया ऑफ कंट्रीब्यूशन, दूसरा आपका स्ट्रक्चरिंग प्रॉबिंग, और लास्ट का टीचर इफेक्ट, इसमें से आपको कौन सा मिलान करना है आपको, ठीक है। 1 2 3 4 में कौन सा होगा आपको मिलान करना है,
बताओ कौन सा होगा, आप भी बताओ। ए सर, ए होगा सर। ए होगा थोड़ा एक मिनट, कौन सा होगा ए। ये? अच्छा, यूजिंग स्टूडेंट एंड आइडिया कंट्रीब्यूशन, तो क्या आप कहेगा टेकिंग स्टूडेंट रिस्पॉन्स एंड रिपोर्टिंग द अप्लाइंग। अच्छा, दूसरा आपका टीचर कमेंट ऑफ द पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज द काम। ओके, आप कह रहे हो ए का होगा 4। अच्छा ठीक है, 4 मान लिया। उसके बाद बी का 3, ठीक है। डी का क्या होगा? टीचर इफेक्टिव ए रिलेशनशिप, फर्स्ट, वार्मिंग द नेचर, न्यूट्रिंग द रिलेशनशिप विद द लर्नर। हाँ ठीक है। डी का 1 किसी में दिया गया है? नहीं है, एक ही में तो है, यही तो डी का 1 एक ही में तो है, ऑप्शन ए में। उसके बाद तो 3 तो नहीं होगा डी का, कैसे हो सकता है? टीचर कमेंट द पर्पस व्हाट इज द काम, नहीं हो सकता ये। तो क्या होगा? ये आपका सही हो जाएगा। जिसका जिसका गलत हो रहा है मैं कह रहा हूँ, सब बताना किसका कितना आ रहा है मार्क्स। अब बताओ, ये तो सभी का आना चाहिए, ये सबको आना चाहिए। बताओ भाई, ये गलत मत करियो, ठीक है, सबको आना चाहिए। आईटी फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस टू ज्वाइन ए गूगल मीट। अभी हम गूगल मीट पे से ज्वाइन है ना, सभी ने गूगल मीट में है भी, तो आपको बताना है कि पहले क्या आता है, उसके बाद क्या करना होता है। बताओ, ऑप्शन ए इंटर द कोड एंड क्लिक द कंटिन्यू, क्लिक आस्क टू ज्वाइन, क्लिक यूज मीटिंग कोड, गो टू मीटिंग डॉट गूगल डॉट कॉम एंड समवन द मीटिंग गिव्स योर एक्सेस, यू विल द ज्वाइन इट। क्या क्या होता है बताओ? आपका कोड आपके यहाँ पर है, सर ऑप्शन बताना सर। सीपी। यहाँ पर दिख रहा है, देखो यहाँ पर। हाँ सर, सी। ये आपका हिंदी से देख लो फिर, सर हिंदी फोर्थ वाला। ऑप्शन दिखाई सर। हाँ देखो, 4 ऑप्शन निकाला है, 4 ऑप्शन आपका ए डी ए ई बी सी, ऑप्शन 3 आपका ई ए बी सी डी, ऑप्शन 2 आपका डी से ए बी ई, ऑप्शन 1 आपका ए बी डी सी ई। कौन सा का बताना है आपको, कौन सा होगा जल्दी बताओ, बताओ जल्दी आ जाओ। पहले कौन आएगा बताओ इनमें से, पहले कौन आएगा? पहले डी क्या आएगा? डी। अच्छा हो गया, 1 मिनट देता हूँ, पहले डी आएगा, उसके बाद क्या आएगा? सी सी ए आएगा। क्या हाँ सॉरी, ए आता है? मैं नहीं बोलूंगा, सभी सी क्लास से सी एकदम। के एंटर कोड एंड क्लिक कंटिन्यू। ओके सी। उसके बाद उसके बाद क्या आता है? डी और सी, उसके बाद क्या आता है? अच्छा कौन सा? क्लिक यूजिंग द मीटिंग कोड, क्लिक आस्क द क्वेश्चन आस्क टू ज्वाइन, कौन सा? व्हेन सम योर मीटिंग गिव्स एक्सेस यू विल ज्वाइन इट, कौन सा होगा? बी आएगा आंसर उसके बाद। आंसर बी आएगा। अच्छा, आंसर नहीं सर, उसके बाद का वो जो उसके बाद बी आएगा, चलो ठीक है मान लेता हूँ। उसके बाद ई सर। अच्छा ये आएगा, अच्छा लास्ट में ये आएगा ना। लास्ट में आएगा सर डी सी ए ना सर, उसके बाद डी सी ए बी डी यहाँ पर क्या कह रहे थे? डी सी बी ई है ना, कौन सा होगा बताओ? सर ए आएगा बीच में डी डी के बाद ए आएगा। वही तो कह रहा हूँ, गलत कह रहे हो ना, डी के बाद ए आएगा यहाँ पर, यहाँ पर ए आएगा, ए। बताओ कितने दिन क्लास करते हो, सभी की कंफ्यूजन है। डी ए, चलो उसके बाद क्या आता है? बी सी ई है ना, सी आई जाएगी, सी आ जाएगी। गया यही तो आता है, डी ए ई होगा।
डी ई आप करो, डी ए सी आएगा नहीं आएगा बताओ फिर। सी आएगा सर। डी ए सी, अच्छा सी में लेता हूँ यहाँ पर मान लो, तब से मैं तो सी दिखाई नहीं रहा इसमें। डी ए सी कहाँ पर है? डी सी ए यहाँ पर है, यहाँ पर ए बी डी सी ई है, यहाँ पर ई ए बी सी डी है, बताओ। क्या होता है लास्ट में ही वाला होता है ना, लास्ट में में ई है सर। लास्ट में कौन वाला होता है बताओ, ई या डी होगा बताओ लास्ट में। देगा तो हम लास्ट में ई ना होगा। सर। आज को ज्वाइन को बाद में जाओगे, आज उनको पूरा है फिर वो एक्सेस देंगे तो हम ज्वाइन हो जाएंगे ना सर। वही तो कह रहा हूँ मैं, क्लिक टू एक्सेस टू ज्वाइन, तो सर ज्वाइन हम अप बटन कोई सर लास्ट में ये वाला आएगा ना, ये वाला, उसके बी से बी उसके बाद ये वाला आता है, तो ये वाला आएगा डी सी ए बी ई। पहले आता है गूगल मीट डॉट कॉम आता है, क्लिक द मीटिंग कोड, उसके बाद आता है आपका ये वाला इंटर द क्लिक कि कंटिन्यू, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आपका आता है क्लिक टू आस्क ज्वाइन, उसके बाद आता है ज्वाइन टू सम ऑन द मीटिंग टू इन द एक्सेस वी ज्वाइन। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, आंसर आपका टू होगा, टू आंसर आपका टू होगा, ठीक है, दो नंबर आंसर ही वाला। पहले आता है गूगल डॉट कॉम, उसके बाद आता है क्लिक टू मीटिंग, उसके बाद आता है ये वाला आता है इंटर द कोड कंटिन्यू, उसके बाद आता है आपका क्लिक टू आस्क ज्वाइन, लास्ट में ये वाला आता है एक्सेस, ठीक है, तो ऑप्शन टू आपका सही हो जाएगा। ओके ये वाला बताओ, ये तो बहुत इजी है भाई, ये बहुत सरल है, बताओ कौन सा होगा। बताओ कौन सा होगा, सरल है, बहुत सरल है, बताओ। दोनों सही है। दोनों सही है, अच्छा ठीक है, क्वेश्चन से भी देख लिया, मैं चैटिंग बॉक्स में आ रहा हूँ, ठीक है, सभी क्वेश्चन देख लो, उसको चैटिंग बॉक्स में कि स्टेट वन कह रहा है, स्टेटमेंट कह रहा है, वन कह रहा है कि ऑपरेंट कंडीशन वाज डिस्कवर्ड द थंडराइट, ठीक है, स्टेटमेंट टू कह रहा है क्लासिकल कंडीशन वाज डिस्कवर्ड द इवन पैवलॉव। ऑप्शन आपका चार ऑप्शन है कि दोनों सही है, ऑप्शन टू आपका है कि दोनों गलत है, ठीक है, ऑप्शन थ्री आपका कि ए सही है दूसरा गलत है, ऑप्शन डी है कि वन सही गलत है या दूसरा सही है, इनमें से अगर बताना है। आपने बोला कि दोनों सही है, ठीक है, कितने लोगों ने एग्री करता है आधा मीटिंग, मैसेज में बोलो, मैसेज में बोलो कितने लोगों ने दोनों कह रहे हो बताओ, मैं सबको देख रहा हूँ। मैं सबको मैसेज देख रहा हूँ, चलो संध्या जी वन, संचिता जी वन, साक्षी जी वन, रेखा वन, नेहा जी वन, पूजा जंगला जी वन, मनीषा जी भी वन, चलो सभी वन, और कोई, सभी के वन लग रहा है, सर सेकंड तो मुझे डेफिनेट पता था, मैंने पहले आंसर दिया वन, फर्स्ट का मुझे लगा कि वही है, बट सेकंड का तो क्लासिकल कंडीशनिंग तो दिया ही है उसने 100%। भाई ये वाला नहीं होता, ये गलत है, थॉर्नडाइक का नहीं ऑपरेंट कंडीशन, बी एफ इसकी आता है वो, ऑपरेंट कंडीशन किसका है, बी एफ स्किनर, हॉन्डाई का उनका थॉर्नडाइक का ट्रायल एरर ट्रायल है एंड शायद एरर ऐसे। थ्योरी, थॉर्नडाइक का आपका है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ठीक है, थॉर्नडाइक का क्या होता है, थॉर्नडाइक का आपका उबाला होता है ना, जो किसके ऊपर काम करता है, बिल्ली के ऊपर, बिल्ली बिल्ली का है। हाँ सर हाँ उसने कुत्ते के ऊपर किया था इसने, पागलों हाँ ऑपरेंट ने। कंडीशन, ये पेवलव ने करा था किसके ऊपर, डॉग के ऊपर, ये करा था डॉग के ऊपर, और ऑपरेंट कंडीशन कौन करा था, बी एफ स्किनर, बी एफ स्किनर, उन्होंने किसके ऊपर करा था, आर ए टी रैट, रैट पे था, रैट पे। हाँ चूहे पर किया था ना, रैट के ऊपर किया था, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा,
तो वन इज इनकरेक्ट, लेकिन स्टेटमेंट टू इज कि वन इज इनकरेक्ट लेकिन स्टेटमेंट टू इज करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन। आप सभी ने वन दिया है, ठीक है। नंबर टू, -2 करो सभी अपने, ठीक है, चीटिंग सर मत हमने भी कीजिए। ट्राई एंड एरर किया सर। नहीं, ट्रायल एरर नहीं था पहले, सभी ने आप वन करा है, वो नहीं होगा फिर। नंबर नहीं माइनस सर वो वन बोल अच्छा रहे हैं उन्होंने ट्रायल एंड एरर बेसिस पे कर दिया वो आंसर। अच्छा नहीं, सबका -1 होगा। चलो इतना नहीं होगा। चलो आप यहाँ तो रिसर्च कर, रिसर्च रिसर्च बोलो। हो चल तो फॉलोइंग एन एग्जाम्पल क्वालिटी रिसर्च, जिसमें से कौन सा जो आपका है क्वालिटी रिसर्च है? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्सपेक्टो रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव सर्वे रिसर्च, ग्राउंड थ्योरी रिसर्च। सभी ने देख लिया, मैं मैसेज में आ रहा हूँ सभी का, ठीक है। तीन सर सर मैं आ रहा हूँ सभी का देखने, यहाँ पर बताओ कौन सा है। संध्या जे 3 जबरदस्त चल रहा है। क्या नाम है उसका? सोनिया, सानी, सानी है ना, सानी चाइनीज जबरदस्त। सिंबल एकदम चाइनीज क्या नाम है उनका? सानी, काल सनी अच्छा ऐसा लग काल रहा है। सनी, उनका जबरदस्त चल रहा है, ठीक है। तैयारी जबरदस्त है, तो देख रहा हूँ मैं जबरदस्त कैसे चल रहा है। 3 3 3 3 सभी का 3। राखी जी, अच्छा सर ठीक है, एक बहुत क्वेश्चन फिर से दिखा दूंगी सर। ठीक है। काल सनी, बहुत अच्छा काल सनी, देखता हूँ जवाब बताओ। जिन लोगों ने 3 दिया है, मुझे बताना 3 क्यों है? आपको क्यों लगा कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है क्वालिटिव रिसर्च, बताओ मुझे। डिस्क्रिप्टिव क्वालिटेटिव नहीं सर क्वांटिटेटिव होता है। वही वही सोच रहा हूँ मैं, क्यों आपने कराया? नहीं सर हमने चार दिया आंसर। एक ग्राउंड थ्योरी होता है, जो हमें ग्राउंड थ्योरी में जो काम होता है वो वाला क्या होता है? क्वालिटिव होता है। एक होता है क्वांटिटिव, एक होता है क्वालिटिव। क्वांटिटिव में सारे आता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्सपेक्टो रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ये वाला नहीं आता है। ग्राउंड ऑफ थ्योरी, ग्राउंड थ्योरी रिसर्च नहीं आता है क्वालिटिव रिसर्च में, ठीक है। सॉरी, क्वालिटी से आता है, वो क्वांटिटिव में नहीं आता है। ओके चलो आगे चलो। एक क्वेश्चन बता दो, एक क्वेश्चन कौन बताएगा? बहुत इजी क्वेश्चन है, बताओ। क्वेश्चन से पढ़ लो पहले। ये टीचर एक्शन कौन? रिसर्च एक्शन एक्शन रिसर्च, सभी कह रहे हो एक्शन रिसर्च, सभी सभी का है? यस और नो? सर हिंदी का क्वेश्चन दिखा देंगे सर एक बार। अच्छा पवन जी, बिल्कुल आपके लिए हिंदी भी है, देखो हिंदी। एक शिक्षक विभिन्न उपयोग के माध्यम से अधिगम की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए लगातार की प्रयास करते हैं, उसके द्वारा अपनाया गया कि उपगम किस प्रकार की शोध के द्वारे आ सकता है? हो गया पवन जी, इंग्लिश ले जाओ फिर। जी सर ये थोड़ा एक एक्शन लेता है सर 3 होगा पीरियड सर। सर हाँ क्या होगा बताओ सभी, बताओ क्या होगा, बताओ सोचो तो क्या होगा। चलो मैं आता हूँ मैसेज में सभी का। साक्षी जी 3, नेहा जी 3, लॉजिकल नहीं तो नहीं आया कि लॉजिकल बिजनेस आता नहीं है। पवन जी 3, रंजीता जी, लता जी 3, और कोई? राखी जी 3, सर सुबह दे दिया था 3, ठीक है। आ जाओ, थ्री क्यों होगा? थ्री क्यों होगा? चलो, जहां पर आपको इम्प्रूवमेंट का वादा आएगा ना, इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट और इंटरवेंशन जो देख रहे हैं आपको, वेरियस इंटरवेंशन है, इम्प्रूवमेंट अप्रोच, जहाँ पर आपके ये वाला बात आएगा इम्प्रूवमेंट का, उसके बाद आएगा कि इमीडिएट प्रॉब्लम सोल्यूशन, ठीक है। इसमें आपका क्या आएगा? इसमें आपका आएगा एक्शन रिसर्च। सर ओके ठीक है, आगे बढ़े फिर, आगे बढ़े ना। चलो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है।
बताना है, ठीक है बताओ। द स्कोप ऑफ एम्प्लॉइंग आईसीटी सपोर्ट इज रिलेटिवली मोर इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ द रिसर्च। इसमें आपको कहना है कि भाई आईसीटी जो है सपोर्ट करता है हमारा कौन सा स्टेप स्टेज में हमारा रिसर्च का, बताओ जल्दी से कौन सा करता है। सीडी सर, थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन। चलो पहला आपका प्रॉब्लम सर डी और ई सर, डाटा एनालिसिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। अच्छा ठीक है ओके। और कोई ठीक है, मैं आता हूँ मैसेज में सभी का, सॉरी मैसेज में आता हूँ ठीक है। ठीक है बता दो, आप ही बता सकते कौन सा होगा, बता जल्दी से कौन सा थ्री ही होगा। होगा सर। थ्री होगा, थ्री नहीं होगा। डेटा कहाँ से, हम की आईसीटी का यूज करते हैं सर गूगल फॉर्म से यूज करते हैं ना सर। गूगल फॉर्म, कितने के लोग करते नहीं करते डेटा को सर एनालिसिस चार, करने का, डेटा की इंटरप्रिटेशन करने करता है हम। हाँ सर चार डी आंसर और है सर, ड्यूरी। डी और ई होता है ना, क्योंकि डेटा क्लस्टर में नहीं करते हैं आईसीटी का यूज ज्यादातर। ज्यादातर हमने क्वेश्चनेयर वगैरह यूज करते हैं या इंटरव्यू वगैरह लेते हैं या कुछ नहीं तो मशीन के वगैरह यूज करते हैं, कि तो आईसीटी का यूज नहीं करते हैं हम उसमें कलेक्शन में। मुझे लगता है आप सभी को क्या राय है इसमें, तो डी एंड ई क्या सही होगा, क्योंकि हाइपोथेसिस मेकिंग भी नहीं होता है, प्रॉब्लम्स बहुत मुझे प्रॉब्लम नहीं होता है, तो डेटा एनालिसिस एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है बताओ, ये वाला बताओ, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सब कर लेंगे, तो फटाफट बताओ ये वाला क्वेश्चन। हाइपोथेसिस दैट इज द ऑल्टरनेटिव टू द नॉल हाइपोथेसिस रिप्रेजेंटेड एज H0 H1 H ALT व H X0, कौन सा होगा। सर हिंदी वाला दिखा देंगे सर। सर हिंदी में देखो भाई, परिकल्पना की परिकल्पना जो शून्य परिकल्पना का विकल्प है, क्या वो है को दर्शाता है, क्या दर्शाता है, लिख लो बताओ पवन जी, कौन सा अच्छा है इंग्लिश है हिंदी। ये तो दोनों थोड़ा सर बहुत ठीक है सर, दोनों ठीक है सर, क्योंकि ज्यादा सॉल्व किया मैं हिंदी में किया क्वेश्चन सर, तो इसीलिए ठीक है, नहीं थोड़ा हिंदी में देखो तो लैंग्वेज थोड़ा चेंज हो गया ना समझने में, वही कह रहा था। तो कौन सा होगा बताओ जल्दी से, H0 H1 H, चलो बताओ कौन, सभी आंसर दो। सर। दोनों बताना है ना सर, अल्टरनेटिव और नल दोनों बोला है ना। हाँ कौन सा, वहां पर उसको बताना है कि H0 होता है H1 होता है H और LTA होता है ना, H X0 होता है, कौन सा होता है बताओ, बताओ आंसर बताओ। कोई नहीं आंसर, किसी का आंसर नहीं आया, सर केवल नल हाइपोथेसिस H0 होता है। नाल का H0 होता है वहां पर, क्या बताया देखो फिर। H1 होता है अल्टरनेटिव सर। क्वेश्चन दिखा देंगे फिर से सर, गलती से दे दिया हमने। हाइपोथेसिस दैट इज द ऑल्टरनेटिव टू नाल हाइपोथेसिस इज रिप्रेजेंटेड टू, ऑल्टरनेटिव को रिप्रेजेंट करता है ना, नल हाइपोथेसिस को रिप्रेजेंट करता है कौन, H0 यहाँ पर कह रहा है कि ऑल्टरनेटिव टू नल हाइपोथेसिस, आगे पहला कौन आता है। हाँ H1 H1 तो आप अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव से आप जब रिसर्च करते हो ठीक है, जब रिसर्च के बाद आता है ना, जब हाइपोथेसिस लिखते हो आप, तो मान लो आपका हाइपोथेसिस आपने मान लो जो आप स्ट्रेस या किसी के ऊपर मेंटल पर काम कर रहे हो, तो आप आपको लिखते हो ना कि योगा मे बी इम्प्रूव मेंटल हेल्थ, तो मे भी क्या आता है उसके अल्टरनेटिव के बाद ही तो आता है, अल्टरनेटिव को रिप्रेजेंट करना है नाल आपदेश आता है, तो अल्टरनेटिव को बताना है आपको, अल्टरनेटिव क्या होता है, ये एच छोड़ वन ये होता है एच जीरो होता है, छोड़ना होता तो क्या होगा H1 होगा ठीक है।
सर समझ में नहीं आया क्वेश्चन क्या आपने समझा, समझ में नहीं आया सर अल्टीमेटिव क्वेश्चन क्वेश्चन सिंपल कौन नहीं सा है। एक दिन बोलो, मैं कुछ बता रहा हूँ। सर एक बोला है अल्टरनेटिव टू नल हाइपोथेसिस बोला है। एक्चुअली जो हाइपोथेसिस में कह रहा है कि हाइपोथेसिस दैट इज अल्टरनेटिव, कि एक अल्टरनेटिव है दैट इज अल्टरनेटिव टू नल हाइपोथेसिस रिप्रेजेंटेड, मतलब नल हाइपोथेसिस को कौन रिप्रेजेंट करता है। अरे राखे हाँ सर वो अल्टरनेटिव बोलते हो उसका विकल्प जो हिंदी में बताया था राइट, उसका ये क्या है, हाँ अल्टरनेट हाइपोथेसिस नहीं है वो अल्टरनेटिव है। हाँ, ओके सर। उसमें नल हाइपोथेसिस का अल्टरनेटिव पूछा है तो, हाँ हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वो समझ गए, अभी समझ में आया राइट, कितना कंफ्यूजिंग करते हैं सर। वो तो एच ए होता है ना, एच वन होगा कौन सा होगा, एच वन तो होगा, एच वन होगा, ये तो सही होगा ना, एच वन होगा। देखो इतना दिमाग लगा रहो उसके बाद समझ में आया। सर उन्होंने बोला, सर सर उन्होंने क्या बोला, अल्टरनेटिव टू नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस का विकल्प क्या है, विकल्प बोल तो अपोजिट ना सर, हाँ पॉजिटिव बता रहा है ना, आपको क्या बताना है पॉजिटिव। अपोजिट ना, हाँ एच वन, अच्छा ओके सर। नहीं तब क्या करते सभी एच जीरो बदल आके कर देता, सभी एच जीरो एच जीरो एच जीरो एच जीरो। अरे नाला है वो डिसीज होता है ना, एच जीरो बचा दो क्या है भाई। चलो आ जाओ अभी आता है कम्युनिकेशन। चलो ये वाला बताओ, द डोमेन ऑफ मीडिया अपील एड्रेस टू इशू द रिलेटेड टू। जब हम मीडिया में क्या करता है आपका, कि मीडिया की अपील का कि अनुच्छेद किस मध्य से संबंधित होता है, किस मुद्दे से संबंधित होता है, नॉलेज से, लर्निंग से और इमोशन, लेजिटिव थे और क्या है इमोशन, ज्ञान, अधिगम, बधिकता और संघ, बताओ कौन सा होता है। ये तो बहुत सरल है भाई, मीडिया वाले क्या करते हैं, थ्री सर थ्री करते हैं, लेगेसी, हाँ सर लेगेसी इमोशन से करते हैं, इमोशन सर, इसका यूज करते, इसका 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 इमोशन का यूज करते हो हमेशा, ना नॉलेज का यूज करता है ना ये वाला करता है ना ये वाला, वो हमेशा ये वाला करता है, मीडिया वाले को देख लेना वो हमेशा इमोशन का यूज करता है। जी सर जी, फोर होगा। वो कहता है ना कि देखो इसमें यहाँ पर ये वाला हो गया, कितना निर्दय है हमारा देश। होता है ना जब पार्टी वाला होता है, जैसे अरिशा वाला घटना हुआ, अरिशा जो होता है उड़ीसा घटना हुआ ना, बालेश्वर घटना जो हुआ ट्रेन एक्सीडेंट वाला, बहुत सारे पार्टी के लोग आ गया और उसके बाद मीडिया दिखाना शुरू कर, देख लो कितना कुछ इमोशन का करता है, फायदा उठाते हो मीडिया वाले। कोरोना काल में कितना सर इमोशन कर दिया था सर। हाँ वही तो कह रहा हूँ कि वो हमेशा इमोशन यूज करता है, ना लैंग्वेज, ना लर्निंग का, ना नॉलेज का, उसका तो आपका कोई लेना देना नहीं है आपका, वो कोई लेना देना है कि आपका इमोशन खेलना। चले वाला करो क्या होता है, ये तो बहुत आसान है भाई, एक ही से उत्तर आ जाएगा, हिंदी से कर लो, इंग्लिश से नहीं आएगा, हिंदी से कर लो, पहले इंग्लिश देख लो उसका हिंदी दिखा रहा हूँ मैं। ए है सर आंसर, ये है ठीक है, हिंदी बहुत अच्छा आ जाएगा, बताओ हिंदी से देख लो बहुत अच्छा आपको आ जाएगा आंसर, बड़ा कर देगा। चलो बड़ा कर दो, लो ए बी सी डी जो है इसको आप हिंदी में देख, इंग्लिश में देखो, और जो आपका जो कोई जो आपका वन टू थ्री से हिंदी में देखो, तो समझ आएगा। पहला कह रहा है कि लिसनर, बहुत सारे लिसनर होता है ना, पोर लिसनर होता है, एक्टिव लिसनर होता है, आपने सुना है ना, पैसिव लिसनर, ये सब क्या होता है टाइप ऑफ लिसनर होता है, एक्टिव लिसनर, उसके बाद पोर लिसनर, एग्रेसिव लिसनर, पैसिव लिसनर, स्कैडो लिसनर, ये होता है ना स्कैडो इंटेलेक्चुअल, इसका और एक नाम होता है, इसको याद रखना ठीक है, इसको कंफ्यूजन करने के लिए दिया है स्कैडो इंटेलेक्चुअल, एक्चुअली इसको हम कहते हैं लॉजिकल, जो होता है लॉजिकल होता है ना, लॉजिकल होता है लिसनर होता है वो वाला, ये लॉजिकल जो सुनते हैं कुछ बात करते हो,
वो वाला होता है, तो इसको स्कैडो इंटेलेक्चुअल कह रहे हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है कि 1 2 3 4 स्कैर अदर्स इजीली एग्री टू स्पीकर लिसन टू आइडिया बट टू इमोशन बिहाइंड एम्फैटिक रिपीटेडली। बताओ कौन सा है, जल्दी से कौन कह फोर्थ रहा है वो। होगा। फोर्थ होगा, हाँ ये सही है। कितने फोर्थ बोला था, जल्दी से। कौन सा होगा, रेखा जी, नेहा, साक्षी, पवन। फोर्थ है सर, फोर्थ होगा सर। अच्छा एग्रेसिव से क्या होता है, एग्रेसिव वाला कौन सा था। वो स्केयर करते हैं। तो बी का वन किसमें है, एक ही में था, इसमें था है ना, इसमें तो है, क्योंकि सर फोर्थ में ही है सर, फोर्थ में इसी में है ना बी सर, के। उसी से क्लियर हुआ। इतना मत देखो भाई, एग्रेसिव इतना तो मतलब क्या था, डांटता है लोगों को, उसका काम ही है डांटना भाई, एग्रेसिव जो इतना होता है। अरे तुम नहीं सुन रहे इधर, हमें नहीं सुन रहे इधर, बस शुरू हो जाता है उनका, होता है ना जो एक बहुत ही एग्रेसिव होता है, वो कहते हैं डांटते लगता है ना एक दूसरे को, आसपास के लोगों को। तो बी का वन होगा, ए का फोर, ए का होगा फोर, बी का वन, सी का दो और डी का थ्री। ओके बताइए बोला क्या होगा, ये बहुत आसान है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज मैकेनिकल स्ट्रक्चर ना स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक, कौन सा होगा। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज मैकेनिकल स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर ऑर्गेनिक, कौन सा होगा। मैकेनिकल। हाँ सर रेखा मैकेनिकल। राखी जीवान, मनीषा जीवान, मेघा जीवान, नेहा जीवान और कोई वन। अच्छा मुझे बताओ, किसी कोई किसी कॉपी तो नहीं कर रहा है ना, कि रेखा जीवान दे तो मैं भी वन दे रहा हूँ, ऐसा तो नहीं कर रहे हो। सर सेम टाइम आंसर दिया सर। टाइप करने को टाइम लगता है सर, मोबाइल से देखने में भी टाइम लगता है, आंखों को बहुत स्ट्रेस हो रहा है। मैं इधर आधे नहीं आंसर नहीं देती हूँ सर इसके लिए। नहीं मैं वो नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ होता है ना कभी कभार जो यूट्यूब में ज्यादा होता है, मान लो यूट्यूब में कोई तीन दे रहा है तो फिर लाइफ में से भी तीन ही दे रहा है, चलो एक जन तीन दिया मतलब तीन ही आंसर होगा। तो ये मैं भी कह रहा हूँ, राखी जीवान, मनीषा जीवान, मेघा जीवान, नेहा जीवान, और क्लास में कोई नहीं है, मैं सारी क्लास में है, सही में कोई नहीं है क्लास में, इतना जन है भाई। हाँ काल सानी लेफ्ट, अच्छा आपने रंजिता बोला पॉइंट वो तो लेफ्ट हो गया सर। वो ठीक है, जाने दो उसको, वो हमारे क्लास करते हैं कभी नहीं करते ना। नहीं सर, रेगुलर तो दिखे नहीं कभी। हाँ रंजिता जी 2। चलो बहुत आसान है, आप सभी ने गलती कर दिया। नॉन वर्बल तीन होगा सर, कम्युनिकेशन, तीन होगा सर, आसान बहुत बढ़िया पवन रच। जी, क्या लेंगे आप, हंड्रेड सर हंड्रेड नॉन लेंगे। वर्बल कम्युनिकेशन में सर सिंबल्स भी आते हैं, तो सिंबल मैकेनिकल होते हैं ना सर, और बॉडी मूवमेंट भी होती है सर। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द अनस्ट्रक्चर, जिसमें क्या कहता है, बॉडी लैंग्वेज एटीट्यूड एटीट्यूड किसी को कॉन्टेक्स्ट याद आ रहा। सर वर्बल कम्युनिकेशन भी तो स्ट्रक्चर्ड होता है, ऐसा जरूरी हम वर्बल में कुछ भी बोल वर्बल सकते हैं ना का सर, स्ट्रक्चर गंदी होता है, लैंग्वेज। हाँ वर्बल स्ट्रक्चर होता है लेकिन वो अनस्ट्रक्चर नहीं होता है, लेकिन स्ट्रक्चर क्यों होता है इसमें, इसमें दो ही आता है, ओरल एंड रिटर्न, ठीक है।
इसमें क्या था, स्ट्रक्चर में बहुत सारे थे, हमारा बॉडी लैंग्वेज शुरू करके कल्चर हो गया, फिजिकली हो गया, सब कुछ आता है। तो इसीलिए नॉर्मल पूछा था, अनस्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो यांत्रिक नहीं होता है, मैकेनिकल नहीं होता है। सिंबॉलिक क्या होता है, आपने जो कह रहे हो सिंबल ना, वो तो आपका जो वहां पर आता है कोड सिंबल वगैरह, वो कहाँ पर, जो इनकोडर डिकोडर आपका याद आ रहे हो वाला, डिकोड करना होता है, सिंबल करना होता है, उसके बाद स्टोर स्टोर होता है, स्कोर होता है वाला, जो कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें आता है ना। पहले इनकोड आ गया, उसके बाद क्या आता है, इनकोड को क्या आता है बताओ जल्दी से, इनकोड डिकोड के जल्दी डिकोड आता है, कौन कह रहा है, सर रिसीव करता है फिर डिकोड करता है मैसेज। सर मैं हाँ वो नहीं बोल रही हूँ सर, मैं वो दूसरे रेफरेंस में बोल रही हूँ। जैसे सिंबल है एम्बुलेंस का, हॉस्पिटल का सिंबल है, वो भी नॉन वर्बल में आता है ना सर, तो वो मैकेनिकल हो गया ना, उस रेफरेंस में बोल रही हूँ मैं। नहीं, वैसा नहीं होगा, वो नहीं होगा, जो अनस्ट्रक्चर होगा वो। अब तो नहीं, अब एम्बुलेंस का बहुत सारे सिंबल होता है, तो वो नहीं होता है, सिंबल हमारा होता है जहाँ पर कोड वगैरह होता है, इसमें सिंबल होता है। अच्छा आपने मुझे बताओ, सभी ने कम्युनिकेशन पढ़ा है ना, पढ़ा है सभी ने, नेहा राखी सभी ने पढ़ा है, जी सर, मनीषा जी पवन जी पढ़ा है ना, जी पवन सर जी चलो आप भी बताना मुझे कि पहला क्या आता है, जो प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन का, बताओ पहले क्या आता है। सेंडर सर, पहला आता है सेंडर, उसके बाद ठीक है, उसके बाद एनकोडिंग, एनकोड करता है चैनल, मैसेज, मीडियम इनकोड रहेगा चैनल, अपने मैसेज, फिर रिसीवर रिसीवर, डिकोडिंग, फिर फीडबैक। मैसेज चैनल रिसीवर डिकोडिंग बाद में फीडबैक। यही तो होता है, सेंडर पहले क्या करता है, एनकोड करता है मैसेज करता है, मैसेज, उसके बाद इनकोड करता है, इसके बाद चैनल होता है, उसके बाद नॉइस होता है, उसके बाद डिकोड होता है, लास्ट में फीडबैक होता है, वो उसको पढ़ते हैं, फीडबैक देते हैं, उसके बाद फिर से सेंडर आता है, फिर से मैसेज, फिर इनकोड, फिर चैनल आए, फिर नॉइस, फिर डिकोड, उसके बाद फीडबैक, ठीक है, बहुत सारे होते हैं। चैनल इसको पहले क्या आता है, नॉइस आता है ना, नॉइस शोर वगैरह होता है कि ना, जी सर। आपने बोला था ना एसएमसीआर मॉडल, एसएमसीआर मॉडल है आपका, उसका वैगनर मॉडल है, एरिस्टोटल मॉडल है, स्पीकर मॉडल, आपने सही पढ़ा है ना, वो वाला मॉडल का, आठ मॉडल एसएमसीआर का होता मॉडल क्या, एसएमसीआर मॉडल किसका था, बैरलो का ना, है, बैरलो का था बैरलो का सर, अलग बैरलो है। का था, बैरलो में चार आता है सर ऐसा, हाँ तो यही कहते हैं एसएमसीआर, एसएमसीआर आता है शायद वो वाला, उसका एसएमसीआर का जो मॉडल होता है बैरलो का होता है, सेंडर मैसेज इनकोड चैनलाइज कुछ होता है उसका, ऐसे होता है एसएमसीआर मॉडल। चलो ये वाला ईमेल आता है, ये तो बहुत आसान है, इन अ कम्युनिकेशन प्रोसेस बॉडी लैंग्वेज इज एसोसिएट विथ, पता है कौन सा होता है, कल्चर होता है, ये मूवी ऑडियंस होता है, क्लासरूम सेशन, सब्जेक्ट थॉट, कौन सा होता, कौन सा, जल्दी जल्दी जल्दी, थ्री सर हर व्यक्ति अपने, चलो मैंने बोल दिया उसको आप गेस कर लो, हर व्यक्ति अपने, बताओ अभी क्या होगा, कल्चर कल्चर हाँ अपने संस्कृति के अनुसार क्या करते हैं, वो बॉडी लैंग्वेज को एसोसिएट करते हैं कल्चर के, ये मॉबी ऑडियंस नहीं होता है, फिल्मी दर्शक के नहीं होता है, कक्षा की सिचुएशन नहीं होता है, पढ़ाए जाने वाले विषय से नहीं होता है, तो क्या होता है, कल्चर, ठीक है, सर क्लासरूम सिचुएशन में बॉडी लैंग्वेज टीचर यूज करता है ना सर, एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज अच्छा इम्प्रेशन होता है उसका, ऐसा नहीं होगा ना सर, नहीं ऐसा नहीं नहीं वो नहीं होगा। होगा, नहीं, वो नहीं होगा, एक्चुअली और कल्चर में टीचिंग आ होता है, गया कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं अभी अभी, सर सब हाँ ये कम्युनिकेशन है, टीचिंग नहीं है।
कम्युनिकेशन में आपका कल्चर आता है, उसमें हम जो कह रहे हैं उसमें आता है। क्लासरूम कम्युनिकेशन है ना संध्या जी, ऐसे कैसे क्लासरूम कम्युनिकेशन नहीं है क्या? आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। मैं मैं तो तो क्लास जस्ट किडिंग। क्लासरूम में क्या होता है, इफेक्टिव क्लासरूम होता है यही होता है, और उसमें क्या होता है नॉइज वगैरह होता है साइकोलॉजिकल, उसके बाद बैरियर्स वगैरह आता है उसमें ना, ओवर सर आपने सब सब्जेक्ट साइकोलॉजिकल एक साथ ले रहे हैं ना, तो इसलिए हो रहा है सर। मैं उसी से हाँ मॉक टेस्ट, उसी लिए इसका कंफ्यूजन। तो नाम ही मॉक टेस्ट, नाम उसी लिए मॉक टेस्ट है इसका। चलो आगे बढ़ो, चलो देख लो। कल एग्जाम में आया था ये वाला, आपने इसमें एग्जाम दिया था ना कल, सिंक्रोनाइज कम्युनिकेशन टेक प्लेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज, वीडियो चैट, वर्चुअल क्लासरूम, ऑडियो कॉन्फ्रेंस, वीकीज और इलेक्ट्रॉनिक मेल, क्या होता है जल्दी बताना। एबीसी एबीसी ओनली ना, एबीसी बी सी डी ओनली, सी डी ओनली, एडी ओनली, कौन सा? एबीसी ऑप्शन एबीसी, वन। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, ये वाला बताओ, मैं भी तो कौन हूँ। चलो क्वेश्चन दिख रहे सभी को, क्वेश्चन दिख रहा है या बड़ा कर दो फिर? चलो उसको बड़ा दिख रहे करता थे, हूँ। बड़ा थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। ले लो, अभी दिख रहा है सभी को आपको? सर एक टाइप ऑफ, ऑप्शन देख के, सर हमने एक ऑप्शन देख के आंसर कर दिया, देखे नहीं अगले। टेलीफोन अच्छा कौन सा? सिंक्रोनस टू वाला। तो बहुत अच्छा, नहीं, वो फर्स्ट ऑप्शन देख के अगले देखे नहीं मैंने। ए का 4, बी का ये वाला, ए का सी का क्या होगा, सी का क्या कौन होगा? तो सिंक्रोनस मीडिया, असिंक्रोनस मीडिया, रिच मीडिया, हाइपर मीडिया, सभी को आता है ये वाला। रिच मीडिया क्या होता है? बता दीजिए सर। सिंक्रोनाइज, असिंक्रोनाइज, रीच और हाइपर क्या होता है साहब? सिंक्रोनस असिंक्रोनस पता है सर। हाँ सिंक्रोनाइज क्या होता ईमेल है? उपलब्ध सिंक्रोनाइज, है सर। हाँ यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन देख लो। सिंक्रोनाइज कम्युनिकेशन मीन्स टू और मोर पीपल एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन थ्रू रियल टाइम, एक समय में जो क्या होता है एक दूसरे का क्या होता है, एक और मोर पीपल जब अपनी इंफॉर्मेशन को क्या होता है ट्रांसफर का एक्सचेंज करता है, जैसे आपका होगा वर्क प्लेस हो गया, पीपल एक्स और रियल लाइफ प्लेस जो हम क्या करते हैं शेयर करते हैं उसको हम क्या कहते हैं सिंक्रोनाइज, जैसे फेस टू फेस हो गया, टेलीफोन में हो गया, टेलीविजन में हो गया, वो क्या होता है, वो सारे क्या होता है सिंक्रोनाइज मीडिया, कि आप सभी का क्या कह रहे हो बात सुना रहे हो। असिंक्रोनाइज क्या होता है कि कम्युनिकेशन रिफर्स टू एक्सचेंज ऑफ द डेटा टू और मोर पार्टिसिपेट्स, कि जब हम क्या करते हैं एक दूसरे के क्या करते हैं, क्या करते हैं कि उन डेटा को जब हम क्या एक दूसरे से क्या करते हैं बहुत सारे लोगों से हम जब डिस्कस करते हैं भेजते हैं इसको रिकमेंड करते हैं इमिडिएटली, तो क्या करते हैं हम इसको हम ईमेल के द्वारा करते हैं, न्यूज पेपर के द्वारा करते हैं, ऑनलाइन फॉर्म्स के द्वारा करते हैं, डॉक्यूमेंट के द्वारा। आपका था हाइपर मीडिया, दो मीडिया होता है हाइपर मीडिया, रिच मीडिया। हाइपर मीडिया में क्या होता है उसको आपका कहता है जहाँ पर हम हाइपर टेक्स्ट मिला होता है ना, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, प्लानिंग, हाइपर लिंक्स के तरह का काम करते हैं, मतलब क्या जब हम इसका एप्लीकेशन करते हैं, ये सारे का जब एप्लीकेशन करते हैं ग्राफिक्स का, ऑडियो का, वीडियो का, प्लान का, ये सारी ये जब हम जब एप्लीकेशन करते हैं उसको हम कहते हैं हाइपर मीडिया, जब इसको हम इसको प्रोसेस करते हैं उसको हम कहते हैं रिच मीडिया। रिच मीडिया स्टेल होता है होम प्रोग्राम, मतलब इसका एप्लीकेशन करना, उसमें अंदर जो होता है आपका वॉइस वगैरह जो हम करते हैं डिसीजन सुनना वगैरह वो सारे क्या होता है रिच मीडिया होता है। ये आपका एप्लीकेशन करना, इसको प्रोसेस करना, ठीक है। मल्टीमीडिया का ये क्या करता है, ये जो मल्टीमीडिया का है हाइपर मीडिया क्या करता है मल्टीमीडिया का एप्लीकेशन करता है, और रिच मीडिया मल्टीमीडिया क्या करता है वो उसको प्रोसेस करता है, ठीक है, प्रोग्रेस करता है, इसको हम क्या कहते हैं रिच मीडिया। चलो सर इसका हिंदी में व्याख्या है क्या सर? हिंदी भी तो नहीं है पवन जी, मैं आपको हिंदी भेज दूंगा फिर अभी, जो आप ये स्लाइड आपको चाहिए सभी को तो मैं भेज दूंगा हिंदी बनाकर फिर।
और 13 नंबर का क्वेश्चन है उसका भी हिंदी नहीं है ना सर? का 30 का हाँ 13 नंबर आपने। ये वाला, जी जी सर। हाँ इसका भी दे दूंगा। अच्छा आप अपना कर लो, मैं दे दूंगा। तो ये वाला करो फिर, ये दिख रहा है क्वेश्चन बिल्कुल। व्हाट इज द नेम ऑफ द वेब पेज एड्रेस, कौन सा होता है, डायरेक्टरी, URL, फोल्डर, URL. URL? ये बहुत सारे अच्छा क्वेश्चन आते हैं इसमें, बताओ ये वाला क्वेश्चन बताओ। व्हिच ऑफ द फूल फ्रॉम द एडवर्सन ऑफ द ISP, ISP का फुलम बताओ, ISP का फुलम क्या होता है, कौन इंटरनेशनल बताएंगे? सर्विस प्रोवाइडर, सॉरी इंटरनेट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन सा होगा? टू होगा ना, टू मिलते करेक्ट आंसर। ठीक है आगे जाते हैं, बताओ ये वाला क्या होगा। रैम, डेबिट रोम, LU, CPU, आपको चार ऑप्शन दिया गया, इसमें आपको बताना मिलान करना है कौन सा होगा। रैम का क्या होगा, डीवीडी रोम का क्या होता है, एलयू का क्या होगा, सीपीयू का क्या होगा? डी का तो सभी को पता है, चलो डी का सभी का वन, ये सभी को पता है कि डी का क्या होगा। अरे डी का वन होगा, सभी को पता है। चलो चलो अब बताओ क्या होगा। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या सीपीयू होता है, अब बताओ क्या होगा। इसमें भी वन है, इसमें भी वन है, चलो ये दोनों तो नहीं होगा, इसको काट दो, आगे बढ़ो, बताओ इसमें क्या होगा। आपको एक करना है, एक का फोर होगा या एक का थ्री होगा, तभी हो सकता है, बताओ क्या होगा, थ्री बताओ होगा क्या होगा। सर, फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा, ए का थ्री। ए का थ्री, ए का जी थ्री, अच्छा ए का थ्री, ठीक है। बी का फोर है ना, ठीक है। ए का क्या होता है, थ्री होता है। रैम क्या करता है, वो रिटर्न करता है। रोम क्या करता है, उसको प्रोग्राम को क्या करता है, वो रन करता है, कंप्यूटर का प्रोग्राम तो रन करता है। एलयू क्या करता है, परफॉर्म द सर, ऑल कंप्यूटेशन ऑफ द कंपैरिजन द ऑपरेशन। बताओ ALU का फॉर्म क्या, फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिकल अर्थमेटिक लो। लॉजिकल यूनिट, सीपीयू का क्या होता है, कंट्रोल प्रोसेस यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसर सेंट्रल प्रोसेस सॉरी, यूनिट। RM का क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अच्छा DVD या रॉम का क्या होता है? डीबीडी नहीं जानता, रीड ओनली मेमोरी रोम का मालूम है सर, डीबीडी का डिजिटल सर बोल रहा हूँ। वर्क वर्सेटाइल डिस्क, साइटाइल डिस्क। ठीक है आगे चलो। ये क्वेश्चन बहुत मजा है, दिख रहा है क्वेश्चन सभी को, यहाँ पर आपको कहानी की तरह बनाना है, क्या होगा बताओ। कि 3G इज आ डैश रेंज ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी, ठीक है। सम एक्टिविटी दिस रिक्वायर बैंड राइट कैन नॉट बी क्रिएट कैरिड आउट ऑफ द कैरी आउट बाई यूजिंग 3G। अच्छा ठीक है। ब्लूटूथ इज डैश रेंज ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी व्हिच यूज टू कनेक्ट द डिवाइस टुगेदर फॉर डेटा ट्रांसफर। ब्लूटूथ इज डैश कॉस्ट मीन्स ऑफ डेटा ट्रांसफर, डेटा ट्रांसफर, अब क्या बताओ अभी क्या होगा। सर ब्लूटूथ इज अ शॉर्ट एंड लो, एंड इसमें लॉन्ग एंड हाई आएंगे, सीडी वाह 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 क्या बात है। एबी। तो ब्लूटूथ क्या होता है, कि ब्लूटूथ का जो होता है वो क्या होता है, ब्लूटूथ बहुत ही क्या होता है, शॉर्ट के होता है शॉर्ट ना। होता है, शॉर्ट होता है। हाँ तो बी का जो यहाँ पर क्या होगा, सी होगा, ब्लूटूथ का सी होगा। तो सी कहाँ पर है, चंद नंबर ऑप्शन है ना, ऑप्शन फोर, या ऑप्शन फोर या ऑप्शन वन होगा, कौन सा होता है जल्दी से। वन होगा सर, यहाँ पर भी वन सी है, और क्या है कि ब्लूटूथ इज द डैश कॉस्ट, ये क्या है, कॉस्ट होता है, लो कॉस्ट होता है ना, लो कॉस्ट होता है। तो इसका सी बी ए, 3G इजा क्या होता है, लॉन्ग, और रिक्वायर क्या होता है इसका, हाई। है। ओके
होगा ये वाला। बोरिंग तो नहीं हो रहा कभी? नहीं सर, आपके भले के लिए है, ठीक है, मेरे नहीं। ये आप सभी ने कह रहे थे कि सर एक दिन आइएगा क्लास लेने, तो मैंने आ गया, चलो आ जाओ। अच्छा ये वाला कर दो फिर, ये वाला करो। आइडेंटिटी द डिफरेंट इन ए प्राइमरी स्टोर फ्रॉम द सेकेंडरी स्टोर इज द कंप्यूटर सिस्टम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज करेक्ट। ऑप्शन वन, प्राइमरी स्टोर स्लोअर होता है, मोर एक्सपेंसिव एंड प्रेसिडेंट होता है ना, कि प्रेजेंट रेजिस्टेंट। अच्छा परसिस्टेंट परसिस्टेंट मेरा इंग्लिश इतना चल रही है। प्राइमरी स्टोर इज द फास्टर होता है, मोर एक्सपेंसिव होता है, परसिस्टेंट होता है, थर्ड होता है, प्राइमरी स्टोर इज फास्टर है लेस फोर से। सर, फोर ऑप्शन बराबर से, प्राइमरी स्टोरेज इज फास्टर, मोर एक्सपेंसिव एंड नॉन परसिस्टेंट। अच्छा कितना मैंने कितने परसेंट आप ठीक हो बताओ। क्या सर, चलो मैं आपके आंसर दे सभी का मैं देख लेता हूँ। आ जाओ रुको रुको, कहाँ पर था ये वाला ना, रुको मैं आता हूँ कहाँ पर, चैट बॉक्स में। बताओ सभी कौन सा आंसर आएगा। मनीषा जी 4, और कौन? सर आपने पढ़ने ही नहीं दिया। पढ़ने अच्छा साक्षी दीजिए जी। सर। अच्छा, अभी तक नहीं हुआ। सॉरी सॉरी सर, सॉरी फॉर दैट। हिंदी देखना है किसी को? हिंदी देखो भाई, सॉरी। ठीक है हिंदी देख लो, उसको इंग्लिश दिखा दो। मनीषा जी ने उत्तर दिया है 4, साक्षी जी ने 2 है ना। हाँ सर, ठीक है चलो आगे बढ़े फिर। हाँ इसका आंसर क्या होगा? 2 होगा, ठीक है। सर टू टू प्राइमरी कैसे सर, टू कैसे प्राइमरी स्टोर फास्टर भी होता है, वो एक्सपेंसिव भी होता है, उनका कंसिस्टेंट होता है, ठीक है। चलिए वो सर, दोनों थर्ड साइड होता है, होगा ना 2 होगा, 2। सर, परसिस्टेंट नहीं सर होता है वो। परसिस्टेंट कैसे होगा सर, वो तो परसिस्टेंट तो सेकेंडरी स्टोरेज होगा ना सर, जैसे सीडी सीडीज है, डीवीडीज है, या जो बाहर से हम लगाते हैं। मैं गलत हूँ? सर बता, पूछ रही हूँ सर, तो मैं भी एक्सप्लेन एक्सप्लेनेशन मिला तो फिर नहीं, आगे। हो सकता है कि मैं शायद शायद कि नहीं, यूजीसी का यही उत्तर था, तो मैं ये भी देख रहा था। यूजीसी का जो साइट था उसमें मैं यही उत्तर देख रहा था, 2 नहीं था। सर, नहीं एक्सप्लेन कीजिए सर, तो समझ में आता है ना सर, मुझे लगा कि नॉन परसिस्टेंट है वो। नॉन परसेंट, ये तो 9% नहीं होता है। प्राइमरी स्टोरेज जो फास्टर होता है, मोर एक्सपेंसिव है, तो सही है, कितने बहुत पैसा लगता है नहीं सर, इसका। वो तो है सर, फास्टर है, मोर एक्सपेंसिव है सर, लास्ट का मुझे ऐसा लगा सर, बट मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो अब अगले बार अगर आंसर आया क्वेश्चन तो गलत ना हो उसके लिए। अच्छा ठीक है, असिस्टेंट नॉन परसिस्टेंट तो नहीं होता है, सर नॉन इसमें परसिस्टेंट। डिफरेंशिएट बोला है ना, प्राइमरी स्टोरेज फ्रॉम अ सेकेंडरी स्टोरेज, कौन सा? हाँ वही उसमें हो रहा है कॉमा भी डिफरेंट। लगा है, कॉमा लगा है ना उसमें। हाँ कंप्यूटर सिस्टम वो चीज तो, हाँ वही तो है। करेक्ट कौन सा वो बता रहे हैं आपको कि डिफरेंस क्या होता है? सेकेंडरी तो परसिस्टेंट नॉन परसेंट होता है ना, वो वाला ओके सर, ठीक है, ठीक है। तो मेरे गलत हो सकता है, तो गलत। ये आपका, ये मेरा सब्जेक्ट है, परसेप्शन इन्फरेंस कॉम्प्रिहेंशन वर्बल टेस्ट, मैंने बताना है आपको।
सर वो क्वेश्चंस लीजिए ना सर, आप उसके बच्चे वाले हैं और बाकी इसके। नहीं नहीं खत्म हो गए, पांच ही क्वेश्चन है इनका, सभी का पांच पांच क्वेश्चन है। ओके सर खत्म हो गया, मुझे लगा मैंने एक्सप्लेनेशन बोला तो आपने उसको ये कर दिया कि इसलिए बोल रही। नहीं, पांच पांच ही क्वेश्चन है। ये बताओ कौन सा होगा, परसेप्शन, इन्फरेंस, कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल टेस्टिमनी। बहुत दफा पढ़ाया मैंने। इसका हिंदी टू है, होगा सर, आंसर हिंदी भी है, देख लो, जिसको हिंदी आता है हिंदी देख लो। प्रत्यक्षीकरण, अनुमान, तुलना, शब्द। क्या होगा ये, जल्दी बताओ। टू होगा सर। टू, एक ठीक है। परसेप्शन क्या क्या है, नॉन ऑब्जेक्टिव सेंस ऑर्गन, ऑब्जेक्टिव। अच्छा, इन्फरेंस क्या होता है, इन्फरेंस हमारा होता है कॉग्निशन का प्रोसेस, साम प्रोसेस साम अदर कॉग्निशन। ओके, कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, स्टेटमेंट, टास्क और रिवर्सल। कैसे होगा, डी का थ्री होगा, डी का थ्री, हाँ डी का थ्री होगा ना, डी का थ्री एक ही में आए। हाँ यस सर, ऑप्शन डी का थ्री, थ्री है। सर डी का थ्री है ना, सही है। चलिए वाला करो, कंसीडर द फॉलोइंग सिलोजिज्म। वो करना है कि द हिल हैज फायर बिकॉज इट हैज स्मोक, व्हाट एवर हैज स्मोक हैज फायर, दिस हिल हैज स्मोक व्हिच इनवेरिएबली एसोसिएटेड विद, देयरफॉर दिस हैज फायर, व्हिच विल बी डिजाइंड ऑफ द उपनया इन द सिलोजिज्म। इसमें से कौन सा आपके उपनया में आता है, बताओ जल्दी से। ए एंड बी आता है, बी एंड सी आता है, डी ओनली, ई ओनली, कौन सा आता है उपनय, कौन सा आता है। डी ओनली सर। क्या क्या आता है, प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, हेतु, उसके बाद ये तो उदाहरण, 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 उपनय, उदाहरण, निगमन। मना। तो ये वाला क्या होता है, द हिल इज फायर क्या होता है, प्रतिज्ञा, बिकॉज इट इज स्मोक हेतु, व्हाट एवर उदाहरण, द हिल इज फायर इनवेरिएबली। मैंने बात में बोला था कि जब भी आपको इनवेरिएबल दिखता है तो क्या होगा, वो क्या होता है, वो नया ना देयर फॉर, मैंने बस देयर फॉर जगह दिखाने का क्या होगा, वो निगमना। तो क्या कंक्लूजन, मानना है, निगमन। क्या होगा फिर, क्या होगा इसका आंसर बताओ। सर ई ओनली होगा। ई ओनली या डी ओनली, डी 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 सर, डी फॉर डॉग। डी ओनली। चलो आगे, तो ये वाला करूं, एलाइव दत्त, एलाइव दत्त इज आइदर इन हाउस और ही इज वेयर। एलाइव देवदत्त इज नॉट, इज नॉट इन हाउस, दे आर फॉर एलाइव देवदत्त इज एल्सवेयर। बताओ कौन सा होगा, प्रत्यक्ष, कंप्रेशन, वर्बल टेस्टिमनी, इम्प्लीमेशन, कौन सा। चार सर हिंदी भी है सर, क्या सर, इम्प्लीकेशन सर। हिंदी देखो। जीवी देवदत्त या तो अपने घर में है, अथवा जीवित देवदत्त अपने घर पे नहीं है, अर्थात जीवित देवदत्त कहीं और है। उपर्युक्त किस प्रमाण के उदाहरण है, प्रत्यक्ष, उपमाना, शब्द, अर्थापत्ति, कौन सा। अर्थापत्ति फोर, फर्स्ट सब फोर कह रहे हो, वन सर। सबका फोर है, अक्षय फोर, नेहा फोर, मनीषा फोर, और किसी का फोर,
राखी का वन, राखी जी वन कैसे, लता जी फोर, राखी जी वन कैसे बताओ मुझे। 1 2 का 4 अच्छा 1 2 का 4। अच्छा ऐसे बोल। और उसका लाइन, दूसरा लाइन क्या है, 2 4 का 1 है कि 4 2 का और 2 वन क्या होगा, 4 या 2, 4 या 1, पवन जी क्या बताओ। पवन जी फोर लग रहा है सर। लग रहा है आप कंफ्यूजन हो, पहले मुझे बताओ प्रत्यक्ष हो सकता है क्या। प्रत्यक्ष नहीं होगा सर। हाँ तो प्रत्यक्ष नहीं होगा, आप इसमें कंफर्म है कि प्रत्यक्ष नहीं होगा, इसको काट दो। शब्द हो सकता है, नहीं सर, शब्द इसमें को भी नहीं काट होगा। दो, बचा दो। कंप्रेंशनर अर्थापत्ति, कंप्रेंशन में क्या आता है। सर हम कोई चीज देखते हैं और वो सेम चीज देख के हम दूसरी तरफ वो चीज देखते हैं तो उसको मैच करते हैं ना सर, हाँ, उपमान इसको तुलना कंपेयर करते हैं, हम करना, तुलना कंपेयर करना। करते हैं। हाँ तो ये भी तो नहीं हो, आपका कंपेयर कर रहे हो देव दत्त से, नहीं कर रहे हो, तो बचा कौन, एक अर्थापत्ति। ठीक अर्थापत्ति है चलो आगे, ये वाला का व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर द इंडियन फिलोसॉफी ऑथेंटिकल टू द वेदास। चलो करो, भारतीय दर्शन के निम्नलिखित कौन सी प्रणाली वेद के प्रति ए और बी विरोध सर, ए और बी, विरोध है, कौन सा। थर्ड होगा सर, सी डी ई CDE, सर, ABC हो जाएगा सर। हाँ हाँ ABC, सर थर्ड होगा, ABC, ABC, फिर से ऑप्शन दिखा देंगे सर ऑप्शन। हाँ सर एंटी है, सी एंटी है डी ई बी सी ई, साक्षी जी कह रहे सी डी है ना साक्षी जी। सर, एक नंबर सर, ABC सर, ऐसा सीडी सीडी है सर। साक्षी जी आप सही हो, ठीक है CD होगा। पवन जी पहले पढ़ो क्वेश्चन को, फिर से एक बार पढ़ो क्वेश्चन को, पढ़ो जोर से पढ़ो, सर मैं मुझे गलती जोर सर, क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं सही से पढ़ पाया सर, सॉरी सर। से पढ़ो और मुझे समझाओ क्वेश्चन को। हाँ हाँ बोल रहा है क्वेश्चन की, भारतीय दर्शन की निम्नलिखित कौन सी प्रणाली वेदों के प्रति विरोधात्मक है। तो कौन सा विरोधात्मक है, विरोध करने वाला है, चार्वाक है, जैन है, बौद्ध है सर। तो आपने की वो एबीसी लगा, ये होता है ना हरबरी में आंसर करना, हरबरी में करना होता है, बस जो भी आता है वो भी गलत होता है, तो हमें नहीं करना है। इमरान खान क्या कहता है, पहले तो अब घबराना नहीं। सुना उनका वो बोले, तो उसका सुना है ना, इमरान खान सुना है उनको, वो पहले कहता है पहले तो आप घबराना नहीं, तो आपको घबराना नहीं है क्वेश्चन देखकर, समझना है क्वेश्चन को, ठीक है। तो सी डी इज द करेक्ट आंसर, सी डी ई थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बौद्ध धर्म जिन्हें चार बात, क्योंकि पूर्व में साउथ में से क्या है, वो वेद को मानते हैं। ये वाला बोलो, असिद्ध इज द फैलेसी व्हेन द मिडिल टर्म इज अनप्रूव्ड टू वाइड टू नैरो नॉन एक्सक्लूसिव, कौन सा होता है। बताओ बताओ साक्षी जी क्या सर होता है। इंग्लिश दिखाएंगे क्या इसको, सर अनप्रूव्ड सर 1, क्या अनप्रूव्ड होता है, अनप्रूव या टू वाइड या टू नैरो टू नॉन एक्सेप्टेबल, क्या होता है। अनप्रूव मिडिल को होता है, असिद्धिया व्याप्त सिद्धिया याद आ रहा है, और अच्छे याद करा दो, आश्रय सिद्धिया व्याप्त सिद्धिया याद आ रहा है, सत प्रतिपक्ष हाँ सर, बाधित, तो क्या होगा, असिद्ध क्या होता है, अनप्रूव मिडिल होता है, जहां पर मिडिल टर्म का प्रूव नहीं होता है, ठीक है।
जैसे हमने क्या पढ़ा था वो वाला कि जहाँ आग है वहां क्या है, धुआं है, तो धुआं है या उसमें कहा कि द फायर हैज स्मोक, देन कि द स्मोक इज फायर, स्मोक इज फायर, सब कुछ रहता है ऐसे, ठीक है, याद नहीं आ रहा, चलो वाला करो, ये सही तो अच्छा है, ऑल ये वाला कर दो, क्वेश्चन पहले सर देखो एक उसको। आंसर था ना सर, आंसर सर एक था ना, हाँ हाँ ये ठीक था, अनप्रूव मिडिल, ये वाला करो क्या होगा, इफ सम मेंबर आर नॉट वोटर इट फॉल्स इन स्क्वायर अपोजिशन एंड प्रपोज हाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कोट कैन बी करेक्टली फिट। आपको बताना है कि सम मेंबर इज नॉट वोटर इट फॉल्स, यदि ये फॉल्स होता है तो कौन सा प्रपोजिशन है जो वो करेक्टली फिट होगा, बताओ आपका कौन सा होगा, यहाँ पर क्या कोई सर यूज व्हिच ऑफ द होगा, फॉलोइंग कोड क्या सर आगे दिख रहा है नहीं वो कोई करेक्टली फिट क्वेश्चन है, कोट करेक्टली सी फिट सर मतलब कोट कैन बी करेक्टली फिट क्या होता है, सी सही, देखो यहाँ पर उत्तर क्या है, कोड देखो कोड कोड है सर ए बी ए एन डी है, कोड देखता कि बी ए एन बी है, बी एन सी एन सी एन डी, कौन सा होगा, क्या कर रहा है, साम मेंबर इज नॉट वोटर इज फॉल्स, वो फॉल्स है तो क्या होगा बताओ, वो फॉल्स होगा तो क्या होता है, कौन सा होगा, कैन बी करेक्टली क्या होता है, आपने बोला नो कि मेंबर सर वोटर नो मेंबर इज वोटर, सी और डी सर फूट है ना सर सी और डी सी और डी, कैसे करा आपने बताओ, मैं समझाओ, सर कॉन्ट्राडिक्टरी है ना सर ये ओ वाला है ना तो ओ वाला है तो ए जो है वो ये हो जाएगा सर ट्रू वो फाल्स है तो वो हाँ ट्रू हो जाएगा ना सर ए हाँ ये ट्रू हो जाएगा, हाँ तो सी है हाँ इसमें तो ये होगा, उसके बाद और फिर चाहिए, फिर सी हो गया, और सी तो यहाँ हाँ पर सर भी है, इस ओके ऑप्शन में भी है, इस ऑप्शन में भी है, बताओ फिर बताओ कौन सा होगा, बताओ सर सी तो इसमें भी है, इसमें भी है, सी बताओ सर एक असत्य है सर सब अल्टरनेशन में एक सत्य है तो नीचे से ऊपर और जाते हुए सत्य रहता है और वो नीचे आता है असत्य होता है ना सर सर ए एंड डी होगा ए एन डी, ऑप्शन नंबर वन ऑप्शन नंबर वन, वो याद आया सभी को, मॉक टेस्ट चल रहा है या मैं क्लास सर ले रहा हूँ, सी और डी सर सी और डी होगा सर सर क्या था वो फॉल्स है, फॉल्स है तो क्या होगा, वो फॉल्स होता है ए ट्रू होता है, ए ट्रू होगा, ए ट्रू है मतलब ए ट्रू है, ठीक है, इज फॉल्स, इज फॉल्स, बी एंड सी है किसी में, बी और सी है किसी में, बताओ मुझे आंसर है, वही तो बोला था सर मैंने सी और डी बी एंड सी, और ई नहीं है ना सर ई कहाँ है बी एन सी, क्या सर लास्ट वन कह रहे हो, आवाज नहीं आ रहे, लास्ट वन जो है ना ए हाँ फॉल्स है और ओ ट्रू है आंसर हाँ होगा ए एंड डी हाँ
क्या कह रहा हूँ मैं, मैंने क्या बताया, जहां पर ईव देन का क्वेश्चन है क्या होता है, जहां पर ईव का क्वेश्चन है क्या होता है, इमीडिएट इन्फर है, इसको याद आया? हाँ इमीडिएट इन्फरेंस, ए आई ओ जो चार्ट बना रहा था, टी, ये वाला टी, ये वाला, यहाँ पर क्या है कि ओ मिथ्या है, तो ओ गलत जो है, तो इसमें जो ओ गलत होगा तो क्या होगा, ये सही हो जाएगा, ई मिथ्या हो जाएगा, आई सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, इसमें कौन सा, ये तो ट्रू है, दिखा रहे ना, ये ट्रू है, अगर ये क्या होता है मिथ्या है कि नो मेंबर इज ट्रू, ये तो फॉल्स होगा, यहाँ पर क्या है ये फॉल्स होता है, ये ट्रू का ये भी तो नहीं होगा, तो ऑल मेंबर इज फॉल्स, ये क्या होता है ट्रू होता है, ये भी तो नहीं होगा, बचा कौन हमारा बी एंड सी, क्या होता है सम मेंबर इज नॉट, सम मेंबर इज वोटर इज ट्रू, ये भी ट्रू है, वाई नहीं हुआ बी एंड सी, समझ में आया सभी को? हाँ सर, सर मैंने वो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से किया सर, इसके लिए कंफ्यूजन हुआ। समझ में आया सभी को? मनीषा, राखी, पवन, साक्षी, सभी याद हाँ आया? सर जी सर, सर, मुझे तो ये लग रहा है, वन लग रहा है। राखी जी को जवान लग रहा है। सर देखिए ना फिर से, ए फॉल्स के ऊपर। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ रुको, क्या है क्वेश्चन, क्या करो फिर, सम मेंबर इज नॉट वोटर इज फॉल्स, ओ इज फॉल्स, सम मेंबर क्या होता है, वो होता है ना, वो वाला वो होता है ना, वो फॉल्स है यहाँ पर। अच्छा मैं फिर से बना रहा हूँ ये वाला पूरा, सभी एक बार फिर से देख लो। अच्छा आप सभी कंफ्यूजन है रहो यहाँ पर से, रुको बता रहा हूँ कहाँ से, सर यहाँ पर स्क्वायर ऑपरेशन कह रहे हैं, आप कह रहे हैं इमीडिएट इन्फरेंस कैसे होगा, स्क्वायर ऑपरेशन ठीक है बना लेता हूँ, जेड वाला, ए आई ओ, क्या कहे, ये मिथ्या है, आप कह रहे हैं कि रूल्स है कि यूनिवर्सलिस्ट कि ये ट्रू होता है, दूसरा डेफिनेटली क्या होगा, ये मिथ्या तो डेफिनेटली सत्य होगा, तो ये मिथ्या है ये डेफिनेटली ट्रू हो गया, ठीक है मान लेता हूँ। दूसरा क्या होता है कि एक फॉल्स होता है, तो दूसरा क्या होता है वो डिफरेंटली ट्रू होता है, ये मान लो आई फॉल्स है, ई फॉल्स है, ये यहाँ पर ये वाला फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये तो फिर ई क्या होता है, वो भी ई तो भी फॉल्स होता है, आई ट्रू होता है, तो ए यार आई तो होगा फिर, तब भी तो ये सर नो, सब अल्टरनेशन वाला ले लो आप भी, सम नंबर इज ट्रू और नंबर इज ट्रू, इसमें भी आएगा, ये भी अप्लाई करोगे तब भी होगा, आप इमीडिएट इन्फरेंस करोगे तब भी तो आएगा, फिर एक ही तो आंसर आएगा, बी एंड सी आएगा यहाँ पर, बी एंड सी ही तो आएगा, ठीक है आगे चलो करो ये वाला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इनविजिलेट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, बताओ सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत विकास लक्षण में निम्नलिखित में से किसका परिकल्पना की गई है, बताओ कि बाय द 200 की 2020 में कन्वर्स ऑफ द लेटेस्ट 50% कोस्टल ऑफ द मैरिन एरियाज, अच्छा ऑप्शन बी का 2030 में आपको क्या करना है, रिड्यूस करना है आपका क्या 1/3 ऑफ द पर कैपिटल ग्लोबल फूड, ऑप्शन थ्री आपका 2030 में क्या करना है, ग्लोबल इम्प्रूवमेंट एनर्जी को एफिशिएंसी करना है, लास्ट में क्या 2030 में, ये तो नहीं होगा बताओ, ये तो सस्टेनेबल नहीं होता, ये गलत हो गया, तीन से बताओ, 2, 3, 4 से कौन सा बताओ, जल्दी बताओ, दो लग रहा है सर। दो लग रहा है ठीक है, और किसी को क्या लग रहा है, जल्दी बताओ टाइम नहीं है, ऑलरेडी 5:18 हो जाएगा, कुछ कोर्सेज जल्दी कर लो भाई, क्या होगा तो राखी, राखी उसके बाद मनीषा, साक्षी, नेहा, क्या होगा जल्दी बताओ, पवन, सर सेकंड थर्ड में कंफ्यूजन हो रहा है। चलो ठीक है मैं और भी एक क्लू देता हूँ, ये भी नहीं होगा,
चलो अब बताओ 2 और 3 में क्या होगा? सर दो और उसी में तीन तो में क्या होगा? कंफ्यूजन हो रहा है ना सर, उसी में कंफ्यूजन हो रहा है सर। आप भी वही डी भी नहीं दूसरा होगा, ऑप्शन कट कर रहे हैं सर। डी भी नहीं होगा, बचा कौन? एक, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कभी भी नहीं कहा गया। वन थर्ड आपको करना है, ये आपका मिलेनियल डेवलपमेंट गोल में करा है ना? मिलेनियम डेवलपमेंट याद है सभी को क्या क्या होता है? तो क्या होगा 2030 में? सरकार ने कहा है कि आपका जो गूगल क्या करना है, गूगल में आपका इमर्जी एनर्जी को क्या करना है, इम्प्रूवमेंट करना है एफिशिएंसी को गूगल में, ठीक है? ओके, ऊर्जा दक्षता में सुधार के बेसिक दृश्य क्या करना है, ओका करना है, ठीक है? न्यू पावर एनर्जी क्वालिटी, ये सारे क्या है, 17 गोल्स है। जेंडर इक्वेलिटी, क्लीन वाटर, उसके बाद ग्रीन एनर्जी, उसके बाद क्या था, इकोनॉमिकल ग्रोथ, इंडस्ट्रियल के रिड्यूस ऑफ द सस्टेनेबल होगा, रिप्रेजेंट कंज्यूम द प्रोडक्शन, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑफ लैंड, प्लेस ऑफ जस्टिस, और लास्ट पे क्या है, पार्टनरशिप गोल। ये सारे क्या है, 17 गोल्स है, इसको याद कर लेना सभी, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है सस्टेनेबल गोल से, ठीक है? चलो आगे करो, ये वाला करो। व्हिच अमंग द फॉलोइंग हजार्ड कैन कैन एक्वायर ड्यू टू द एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस? इनमें से कौन सा जो आपका एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस है, कॉजेस के कारण होता है, हजार्ड होता है, बताओ कि निम्नलिखित में से कौन से खतरे कि मानवतिक कारणों से उत्पन्न हो सकता है, बताओ कौन सा खतरा होता है? साइक्लोन, न्यूक्लियर डिजास्टर, फ्लड, ब्लॉकन और फॉरेस्ट फायर्स, क्या होगा सर जल्दी बताओ, फोर्थ क्या होगा बीसीई सर। होगा? बी सी एन ई ना, क्योंकि सर क्या फोर्थ मानव मानव के प्रति होता है, क्योंकि तो मानव का साइक्लोन तो मानव नहीं लाता है, ये तो नहीं होगा, ये डेफिनेटली नहीं होगा। आप कह रहे हैं कि फ्लाट, फ्लाट तो मानव नहीं, फ्लाट तो मानव के कारण नहीं होता, ये भी नहीं होगा, तो ये से इसको भी काट दो। यहाँ पर भी सॉरी सी तो होगा, फ्लाट तो हम ही ला सकते हैं, सॉरी 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 ये वाला नहीं, क्या है, ब्लॉकन, ये भी ये काट दो। डी वाला तो नहीं होगा, डी आपका नहीं होगा, तो ये तो आपका नहीं होगा, तीन तो नहीं होगा, बी एंड क्या होता है, ए एन डी तो नहीं होता, ए एन डी कहाँ का बस है, यहाँ पर भी डी है, यहाँ पर भी डी है, चार तो बचा आपका तीन। न्यूक्लियर डिजेस्टर हम ही ला सकते हैं इसको, हमारा हम ही कारण है इसका उत्पन्न, हमारे कारण से उत्पन्न होता है, फ्लड भी हमारे कारण से उत्पन्न होता है, फॉरेस्ट फायर हमारे कारण से ही भी क्या आग लगता है जंगलों में भी, हाँ फ्लड भी होता है हमारे कारण से, कि जब हम मान लो कुछ बहुत सारे बांध बना दिया, अब मान लो पानी आ रहा है, अब तो टूटेगा तो बस डूबेगा, फिर फ्लाड होगा, तो हम क्या थे आप ये वही कह रहे हैं, निम्नलिखित में खतरे का मानविक कारण से क्या उत्पन्न होता है, तो आपका ये वगैरह होता है, ठीक है? आगे देखो, मिलेनियम डेवलपमेंट सभी को आता है ना, आता है नहीं आता? जब वो जो होता फॉलोइंग आता मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, इनमें से आपको बताना है कौन सा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है, बताओ जल्दी 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 करो, समय नहीं है, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट। एडिक्टिंग द एक्सट्रीम प्रॉपर्टी इन हंगर इंप्रूव मेटर्नल हेल्थ एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज आता है, प्रमोटिंग द जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द वुमेन्स एंड इन द एनर्जी एंड सिक्योरिटी, और क्या क्या होगा जल्दी बताओ। क्या क्या होगा, क्या होगा पकड़ा जल्दी से, साक्षी जी बताओ जल्दी से क्या होगा, राखी जी से बताओ, सर एबीसीडी। हाँ सर एबीसीडी लग रहा है। ए बी सी डी नहीं है, तो बी सी डी है, सी डी ई एन बी सी डी एंड ई है, बी डी है, तो आपका क्या होता है, ये आपका नहीं होता है, कौन सा, क्लाइमेट चेंज नहीं होता है, क्लाइमेट चेंज किसको होता है, सस्टेनेबल गोल में होता है, अभी हमने जो पढ़ा क्लाइमेट चेंज के बारे में, यहाँ पर
कम होता है क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट एक्शन सस्टेनेबल होता है, ठीक है, मिलेनियम डेवलपमेंट नहीं होता है तो वो आपका नहीं होगा। अब क्या होता है, सिक्योरिटी ऑफ एनर्जी क्या होता है, सस्टेनेबल होता है, इसमें नहीं होता। बचा कौन हमारा, ए बी एंड डी, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, कि प्रॉपर्टी हंगर यहाँ पर भी है, इम्प्रूव मेटर यहाँ मोमेंट्स देखो यहाँ पर है, क्या है, स्क्रीटिंग द एक्सट्रीम प्रॉपर्टी हंगर है, दिख रहा है सभी को, यहाँ पर देखो प्रोमोट जेंडर इक्वालिटी एंड इम्पावर वुमेन्स, और लास्ट वाला क्या था वो ना, और क्या था एक, इम्प्रूव द मेटरनल हेल्थ है, 1, 3 एंड 4 यही तो था, इम्प्रूव द मेटरनल हेल्थ और एक हंगर, प्रॉपर्टी हंगर और प्रॉपर्टी एम्पावरमेंट। चलो ये बताओ, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सीक्वेंस फॉर द व्हाट आर द न्यू न्यूअर ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट और सबमिट द प्रोटोकॉल। ये सही याद है ना, प्रोटोकॉल क्या क्या होता है आपका, पेरिस एग्रीमेंट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, रियो सबमिट, सब याद है ना, बायोडाइवर्सिटी। फोर्थ सर फोर्थ ऑप्शन लग रहा है। सर बी सी डी ए, हाँ पहले आपका क्या है क्या, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, अच्छा ठीक है, उसके बाद क्या आता है, मॉन्ट्रियल के बाद क्या आता है, क्योटो क्योटो प्रोटोकॉल, अच्छा ठीक है, उसके बाद क्या आता है, रियो डी सबमिट, मॉन्ट्रियल के अंदर ही आता है ना, रियो सबमिट, रियो डी जेनेरो से होता है जो हुआ था 19, कितना होता है 19, कितना होता है 19, कब हुआ था इसे याद है, मतलब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी, 31 में आता क्या सर मॉन्ट्रियल? 1987 में हुआ था आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, 92 में हुआ था सर क्रोटो शायद। 92 में आपका आया था आर्थ सबमिट, जो आपका रियो डी जेनेरियो में आया था, रियो डिक्लेरेशन, रियो सबमिट आपका क्या हुआ था 92 में, तो पहले आपका क्या आएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, उसके बाद आपका क्या आएगा, रियो सबमिट, उसके बाद क्या सेकेंड आएगा, ऑप्शन होगा सर फिर। हाँ उसके बाद आपका पेरिस एग्रीमेंट कब आया था, बाद में आया था पेरिस एग्रीमेंट, सबसे लास्ट सबसे में आया था, पहले लास्ट है सर। पेरिस एग्रीमेंट आपका आया था 2016 में आया था, है ना, किसके लिए आया था ये पेरिस एग्रीमेंट, पता है किसी को, पेरिस एग्रीमेंट किसके लिए आया था, क्लाइमेट चेंज ही था ना सर शायद। ग्रीन हाउस गैस के लिए आया था, और कि ग्लोबल जो था, ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर 2 डिग्री से नीचे लाना है, ठीक है, 2 डिग्री से कितना आना है, 1.5 में लाना है, ये आपका क्या था, पेरिस एग्रीमेंट का गोल था, ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट के पर्पस और एम था, ठीक है, उसमें कितना देश भाग लिया था, 196 देशों ने यहाँ पर पार्ट किया लिया था, और क्या था कॉमन बार डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आया था, और क्लाइमेट चेंज के लिए आया था, यूएनएफसी आया था, यूनाइटेड नेशन फार्मवर्क कॉन्वोकेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, 2022 में आया था, 2016 में आया था, ठीक है, जिसको आर्थ डेट मनाते हैं हम, 2016 में आया था, 22 अप्रैल को मनाते, क्या है आर्थ डेट, तो क्या होगा इसमें, 2 आपका अच्छा लगेगा, ठीक है, बचा हमारा कौन, कियोटो प्रोटोकॉल, कियोटो कब आया था, ग्रीन हाउस के लिए आया था, ट्रेंडिंग के लिए आया था, कि आपको 80% जो कम करना होता, ये वाला आया था, ये वाला आता था, एम ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज द फॉलोइंग द को बेनिफिट डेवलपमेंट गोल, ये आपको दिख रहा है, प्रोटोकॉल दिख रहा है, उसके बाद एग्रीमेंट दिख रहा है, इसमें से कौन सा जो है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लिया था, बताओ कौन कौन है, मानते हैं सस्टेनेबल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका है, पेरिस एग्रीमेंट, डाइवर्सिटी, नेशनल एक्शन प्लान ऑफ क्लाइमेट चेंज, लास्ट वाला क्या फाइनल है, इंटरसोलर एजेंसी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वो तो नहीं होगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सस्टेनेबल, सस्टेनेबल है ना, वो सस्टेनेबल भी नहीं आया था, वो
आपका ओजोन डिप्लीशन है ना, ओजोन के लिए था ना वो, ओजोन डिप्लीटेड सिस्टम के लिए आया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो बी तो नहीं होगा, बी किसमें नहीं है। बी किसमें नहीं है, ए एंड सी दो में नहीं है, तो ये भी काट दो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में ये मन जाता है, ये भी नहीं होगा। बचा 2002 और 2003, पेरिस एग्रीमेंट किसके लिए आया था, फर्स्ट में को गया था है ना, पेरिस एग्रीमेंट आया था नहीं आया था बताओ। तो आपका है बी सी डी का कारण सर, ठीक है, बी सी डी नेशनल कहता है कि नहीं, बी सी नहीं, अरे ये सी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो नहीं होगा। ठीक, इंटर सोलर एलियंस, पेरिस एग्रीमेंट और नेशनल होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना, वही तो कह रहा है। ए ऑफ द ऑब्जेक्टिव द फॉलोइंग द फोर बिलियन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, अच्छा ये सी ठीक है, ये वाला ये सी एल ई है बस। और क्वेश्चन है, और दो क्वेश्चन बताओ जल्दी कर दो। सस्टिंग वैल्यू क्या होता है, आरडी थ्री बाय द फॉलोइंग द वैल्यू सो दैट द कॉल्ड इज सस्टिंग वैल्यू। सस्टिंग वैल्यू क्या है इसमें से बताओ, कंपैरिजन जेलेसी स्पेट और फॉल्स हुड क्या होता है। फोर्थ होगा सर, ए एंड सी। करुणा और सम्मान, ठीक है, फोर ए नंबर एंड होगा सी सर। आपका, ए और ए सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो ये बारे कर लो कि लिस्ट वन लिस्ट आपको मिलान करना है कि ए बी सी आपका है, यहाँ पर आपको नंबर जगह कौन सा होगा। कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब आया था, नेशनल पॉलिसी एजुकेशन, नेशनल नॉलेज ऑफ कम्युनिटी कमीशन, लर्निंग विदाउट कि वार्डन रिपोर्ट ऑफ द नेशनल एडवाइजरी कमिटी आपका है 1993, 2009, 1986, 2022, कौन सा आएगा जल्दी बताओ, कौन सा आएगा जल्दी जल्दी बताओ। दो तो सभी का आना चाहिए था ना, दो तो सभी का आना चाहिए था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और नेशनल पॉलिसी एजुकेशन, ये दोनों कब आया था बताओ, ये दोनों से उत्तर मिल जाएगा बताओ कब आया था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब लाया था, कब आया था, ये इंदिरा गांधी चलाया था ना 1986 में, 86 में 1986, आया 1986 था, 68। इंदिरा गांधी 90 सर, इंदिरा 86 में तो राजीव गांधी थे सर। राजीव हाँ राजीव गांधी सॉरी, और जो कौन था 1964 में जो किया था आपका कोठारी दौलत कमीशन में सिंह आया है ना, कोठारी, दौलत तो सिंह कोठारी कोठारी कमीशन, हाँ दौलत सिंह कोठारी लाया था। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का 1986 में आया था, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ए का फोर, अच्छा ए का फोर, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का आया था 2020 में, कौन लाया था, नरेंद्र मोदी, ठीक है, नरेंद्र कस्तूरी रंगनाथन। नरेंद्र कृष्ण दामोदर मोदी, हाँ कस्तूरी को लाया था वो वाला गया था जो दौलत सिंह के बाद ही आया था जो। और आपका लास्ट क्या है कि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आया था 1986 में, तो बी का थ्री, बी का थ्री कहाँ पर है, ए का फोर बी का थ्री दो जगहों में है आपका। नेशनल नॉलेज ऑफ कमीशन ये कब आया था, 1993 में आया था या 2000 में आया था बताओ, कब आया था, 9 या 3, कोई नौ चेक लग रहा करो, है सर, वो 9 में ऐसा लग रहा है सर। कोई चेक करो जल्दी से, नेशनल नॉलेज कमीशन चेक करो कब आया। कब आया था, कब आया था, कुछ मिला किसी को, नहीं मिला, ठीक है।
था तो डी ए और बी का 3 होगा ठीक है बताओ ये रिजल्ट ऑफ उडे डिस्पैच। उडे डिस्पैच में कौन सा मैसेज आया था 1857 में? कलकत्ता बॉम्बे मद्रास, बॉम्बे मद्रास दिल्ली, दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता मद्रास कलर दिल्ली, कौन सा आया था? कलकत्ता बॉम्बे मद्रास दिल्ली नहीं था। कलकत्ता दिल्ली नहीं था क्योंकि दिल्ली आया था 1962 में। दिल्ली आपका आया था 19 कितना आया था 1962 में आया था। 57 57 बॉम्बे मद्रास ठीक है। पूछा था फॉलोइंग द फोर पिलर ऑफ एजुकेशन द मेंशन द डॉलर कमीशन रिपोर्ट ऑफ द रिप्लेस द इंडियन वैल्यू ऑफ वसुधैव कुटुंबकम। अब यहाँ पर चार आपको बताया गया, इसमें कौन से बताओ? लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी, लर्निंग टू बी लिव टुगेदर। फोर्थ तुम बताओ। तो वैसे गणना लघु सूत्र उदाहरण हम क्या है, हमारा मित्र है लघु सूत्र तो इंटरव्यू नहीं करना, छोड़ दो। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। ठीक है हेलो 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 हाँ सर, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, बीच में कट रही थी सर। अच्छा नहीं आ रहा था आवाज मेरा। अरे अब आ रहा है। ओके बताओ। बहुत गर्मी यहाँ पर ठीक है, फैन नहीं चल रहा है। हेलो 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 फैन स्टॉपेज हाँ जैसे फैन स्टॉप है क्योंकि फैन से फिर मैं फैन नहीं लेता हूँ ठीक है, उसीलिए नहीं रहता। अच्छा ठीक है चलो, किसे कुछ नहीं ना, मनीषा राखी पवन साक्षी मेघा अध्याय कौन है यार, पवन सर पुष्पा जी, तो किसे क्वेश्चन तो नहीं है मनीष जी। सर। सर मुझे ये पूछना है सर, कल आपने वो डाला था कि अवैध वो अच्छा अबॉर्शन वगैरह, सर वो रेड हॉरिंग कैसे होगा सर? अपन ने वो किसके दूसरे के एग्जाम्पल में पढ़ा था वो एग्जाम्पल को? नहीं वो रेड हियरिंग ही होगा, क्वेश्चन आपके पास है बताओ, मैं बताता हूँ फिर। नहीं सर, क्वेश्चन नहीं। और सर वो अनुपलब्धि होगा, या दूसरा क्या था सर, वो बिल्ली का सर एग्जाम्पल अपन ने क्लास में भी डिस्कस किया था, आपने बोला था कि वो दूसरे में आएगा, और कल कहा अर्थापत्ति अर्थापत्ति आएगा सर, अनुपलब्धि नहीं आएगा ऐसा बोला था सर, हमने अनुपलब्धि बोला था आंसर को, और कल वो गलत हो गया ना सर आंसर, अनुपलब्धि अर्थापत्ति गलत हो गया सर, अनुपलब्धि सही दिया था उसमें ऑप्शन में वो अनुपलब्धि होगा वो, सर। मैंने क्लास में हमने वही तो बोला था, तो आपने बोला नहीं अर्थापत्ति, अर्थ लगा रहा है कि वो यहाँ नहीं तो वहां गई होगी, ये हम अर्थ लगा रहे हैं ऐसा बोला था सर आपने एक्सप्लेनेशन में, तो अर्थापत्ति कर दिया उसको सर, और आंसर उसका वो गलत हो गया हमारा फिर। मैंने बोला था सभी ने अर्थापत्ति करा हाँ था सभी सर, ने। अक्षय जी आपने क्या करा था? सर मैंने आपने मैं अर्थापत्ति अनुपलब्धि लगाया था सर, सर, अक्षय वो जी का नहीं। हिमांशु हिमांशी मैम ने भी अर्थापत्ति किया, उन्होंने भी डाला व्हाट्सएप पे। हिमांशी जी मुझे बोल रहा था वो तो आया था क्लास में, मैंने बोला था आने के लिए। अच्छा क्वेश्चन मेरे पास है सर, देखो बस क्वेश्चन है
क्वेश्चन तो मैं ही सेट करा था ना, मैं ही सर सेट करा था। ठीक रेड हरी वाला भी एक बार समझाओ ना सर। है रुको जा, 2 मिनट रुक जा, मैं क्वेश्चन निकालता हूँ, 2 मिनट। हाँ पूछने वाला। क्वेश्चन दुकान पे कि वो अर्थापत्ति होगा तो नहीं होगा, कौन सा बोला था क्वेश्चन? रुको शायद एक बार रुक जाओ, यहाँ पर नहीं है। आपने सभी ने डाला था ना क्वेश्चन वगैरह, मैंने ऑलरेडी देखा है क्वेश्चन शायद। अच्छा ये नहीं था। अच्छा ठीक है, मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, चलो स्क्रीन दिख रहा है सभी को, स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ सर और जब मैंने अपने आंखें बंद करी तो बिल्ली मेजे पर बैठी थी, जब मैंने आंखें बैठे बैठे सीधे इसका निकाला सकता हूँ कि मेरे आंख बंद होने पर बिल्ली मेरे से कुर्सी पर चले गए थे। ठीक ही तो था, अनुपलब्धि तो था, जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि अभी जार जो है जमीन पर नहीं है, वो उदाहरण दिया था, याद आ रहा किसी को? जार जो है जमीन पर नहीं है, वो कहाँ पर है? वो अभी मतलब वो पहले वहां पर था, यहाँ पर तो था, अभी उल्ट कर रहा है कि मतलब पहले वहां पर था अभी जमीन पर नहीं है, मतलब वो पहले वहां पर था। यही तो है कि मैंने आंख बंद कर बिल्ली को देखा था कि आंख कि बिल्ली मेज पर बैठी था, जब मैंने अपने आंखें खोला मैंने उसे कुर्सी पर बैठा, मतलब कि आपने जब कुर्सी के आंखें जब खोल रहे थे तो आप देख रहे थे क्या वो वहां पर ही था, अभी नहीं है, मतलब वो था मतलब पहले वो अभी नहीं। ठीक ही तो है, वही होता है, वही तो होता है। अनुपलब्ध अर्थापत्ति कैसे होगा? अर्थापत्ति तो मैंने क्या बोला था, अर्थापत्ति में अर्थापत्ति नहीं होगा। ठीक है अनुपलब्धि ही है। और सर ठीक रेड है और हेरिंग जो अच्छा आपने बोला तो रुको, हाँ सर किसी ये का और ठीक एक है सर क्वेश्चन रेड था, हेरिंग तो बोला। क्वेश्चन किसी का था मैं देख रहा था, बच्चों ने वाला दिया था मुझे, गलत कर दिया था, ये वाला सही, ये वाला उनको। किसान स्टेशन ऑल स्टेडियम बैड स्टेट, ये वाला था ना, उसने बोला कि नहीं ये तो क्या होगा, फोर्थ फिगर नहीं होगा, फर्स्ट फिगर होगा। आप सभी को लगता है फर्स्ट फिगर होगा या फोर्थ फिगर, बताओ मुझे जल्दी से। फर्स्ट सर वो एक बार समझा दीजिए ना सर। मैंने थर्ड फिगर किया उसको AEI नहीं फिगर AIAI ऐसा कुछ था। ये आई है, आई नहीं सर IAI ऐसा कुछ था सर वो। आई था, ये आई ए आई ए आई ए था, आई ए था। यहाँ पर मैंने क्या समझाया था कि जो हम क्या करते हैं इसमें कि मिडिल ट्रंक कौन होता है, यहाँ पर देखो काम चेयर क्या है, वो कर्सन, ऑल कर्सन और बेड सीट। तो कर्सन कहाँ पर है, दो मिडिल ट्रंक क्या होता है, जो यहाँ पर दो टर्म कमन रहता है, ये दोनों टर्म कमन है यहाँ पर है ना, ये वाला दोनों टर्म यहाँ पर,
से देखा मुझे तुम्हें कैसे समझा में समझ लेगा कुछ पेन वगैरह है देखता हूँ। हाँ ये वाला क्या है, पर्दे चेयर है मिडल ना ये टर्म, वाला, पर्दे मिडल ये वाला टर्म है ना ठीक सर, कुछ कुर्सियां पर्दे है, सभी पर्दे बेडशीट है। हाँ। तो पर यहाँ पर टिकट में यहाँ पर सर आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा सर स्क्रीन बड़ी कर दो थोड़ी। हाँ यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि आप कह रहे कुछ कुर्सियाँ पर्दा है, सभी पर्दे क्या है बेडशीट है हाँ। बेडशीट है तो पर्दा यहाँ पर्दा क्या है, दोनों है मिडिल टर्म है ना, दोनों मिडिल टर्म है नहीं बताओ जल्दी से, पर्दा हाँ सर, पर्दे मिडिल है ना टर्म है ना मिडिल सर पर्दा। हाँ पर्दा मिडिल टर्म यहाँ पर हाँ सर बताओ दोनों कि इसमें है वो। हाँ सर आवाज नहीं आ रही आपकी सर। सर स्क्रीन बड़ी करो ना थोड़ी सी। अभी दिख रहा है नेटवर्क इशू किसी के पास नहीं आ रहा है सॉरी। तो मेरी आवाज आ रही है हेलो प्रबल सर शक्ति आवाज नहीं आ महेश्वरी रही लक्ष्मी सर, आवाज नहीं आ रहा था सर, आवाज कट रही थी आपकी। फिर से ये समझ में आ गया, मिडिल टर्म है जो है वो चादर, हेलो नहीं हेलो मिडिल टर्म हेलो ये है बटन से सर। हेलो सर सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जैसे इसका ये क्वेश्चन था ना, तो इसमें तीन स्टेटमेंट है। पहली थी सम चेयर्स आर कर्टन्स, फिर उसके बाद ऑल कर्टन्स आर बेडशीट, फिर कंक्लूजन था सम चेयर्स आर बेडशीट्स। तो जो पहला था वो कौन सा था, पर्टिकुलर पॉजिटिव ठीक है, फिर दूसरा था यूनिवर्सल पॉजिटिव, और तीसरा था पर्टिकुलर पॉजिटिव। तो ये तो ए आई हो गया, इतना समझ आ गया मनीषा जी। हाँ ये समझ में आ गया। थर्ड थर्ड जो बोला ना वो, मैंने थर्ड किया, फोर्थ था ना उसको। हाँ हाँ फोर्थ पता कैसे होगा, देखो सर ने जैसे फिगर पढ़ाए थे, तो जैसे इसमें मिडल टर्म है कर्टन ठीक है, तो जो पहली स्टेटमेंट है सम चेयर्स आर कर्टन, तो इसमें कर्टन है प्रिडिकेट, और जो दूसरी है ऑल कर्टन्स आर बेडशीट, इसमें कर्टन है सब्जेक्ट ठीक है, तो जो फोर्थ फिगर है उसमें प्रिडिकेट वो पी एस फिगर होता है, वो फोर्थ होता है, पहला एस पी था फिर पी पी था फिर एस एस था, और जो फोर्थ था वो पी और एस था, तो ये फोर्थ फिगर होना था। फिर आ गया समझ आपको, देखना पड़ेगा मुझे, समझ में नहीं आया। प्रेडिकेटर वो अच्छे से देखना पड़ेगा, फोर्थ में क्या आता है थोड़ा सा देखना पड़ेगा। फिगर में ऐसा होता है ना जो मिडल टर्म दी होती है ना, तो जैसे दोनों स्टेटमेंट देखो पहली दूसरी, मिडल टर्म पता है हमें कर्टन है, पहली स्टेटमेंट में है मिडल टर्म कर्टन वो प्रिडिकेट है, लेकिन दूसरे में वो सब्जेक्ट है, तो मतलब पहले में प्रिडिकेट तो पी और दूसरे में सब्जेक्ट तो एस, तो ये फोर्थ फिगर होता है ठीक है। अच्छा हाँ तो इसको आप देख मिडिल, इससे तो समझ आ जाएगा, जो नोट्स दिए थे ना सर में उसमें पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा फिर। ओके ओके। और ये रेड इयररिंग में तो ऐसा है कि सर ने जो बोला वो उसका रेड इयररिंग है उसमें, अब जैसे इसमें भी जो मदान की बुक है उसमें भी अलग ही दिया है ना कुछ।
कि माता पिता के बारे में सोचे, बहुत अलग से वो दलीलें देता है, तो ये रेड हियरिंग कैसे हो गया? वो जो गर्भपात हो जाएगा या वो जैसा, वो मुझे थोड़ा सा डाउट लगा। रेड हियरिंग ही था, क्योंकि उसमें जैसे पहले कुछ था कि स्कूल में एजुकेशन कुछ देनी चाहिए, कुछ ऐसा था उसके बाद, फिर वो उसके बाद वो और ही जगह चले गए थे कि आगे आगे करके कुछ बुरा बुरा हो जाएगा ऐसे करके, मतलब जो मेन स्टेटमेंट थी उनकी पहली ना, वो उससे भटक गए थे, तो इसलिए वो रेड हियरिंग ही आना था उसमें। हाँ ओके थैंक जी, हेलो हेलो, अभी यू। आवाज आ रहे हैं? जी हाँ सर, आ सर, रही है आवाज। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ वो वाला क्वेश्चन जो आप कह रहे हो ना कि रेड हेरिंग कैसे है यार। ठीक है, सर वो फोर्थ टर्म वाला रह गया सर, अभी साक्षी जी ने समझाया मुझे, वो हाँ चल मैं रहा वो था भी अपना। समझा। हाँ तो आप ये कह रहे हो कि इफ इफ वी टीच द सेक्स एजुकेशन इन स्कूल देन स्टूडेंट विल बी मोर सेक्स, इफ स्टूडेंट हैव द मोर सेक्स वी हेल्प टू रेस द अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज एंड सेक्सुअल एंड ट्रांसमिटेड ऑफ द डिजीज, स्टूडेंट टू बी फोर्स टू बी ड्रॉप द स्कूल एंड विल नेवर यू टू चेंज द सक्सेस लाइफ। सबसे पहले मुझे ये बताओ मनीषा जी, आप मुझे कि रेड हियरिंग में क्या होता है, रेड हियरिंग के रूल्स क्या होते हैं, पहले ये पहले बताओ मुझे। सर अब जैसे मैंने इसमें से बड़ा सर केएस मैदान से कि वो एक एग्जांपल दिया है उन्होंने, छात्र उत्तर देता है कि मेरे माँ बाप के बारे में सोचे हुए मैं पकड़ा गया एग्जाम में, तो ऐसा ऐसा वो अलग अलग दलीलें देता है। तो ये मैंने याद था एग्जाम्पल मुझे, तो मैंने बोला दलीलें तो नहीं दे रहा, ये तो एक एग्जाम्पल बता रहा है ना, तो रेड हियरिंग कैसे होगा, इसलिए मैंने वो किया निश्चित। अच्छा नहीं, रेड हियरिंग में क्या जानते हैं, रेड हियरिंग में हम भटक जाना कि हमारा जो मूल मुद्दा था उसको ना करके वो अलग ही कुछ मुद्दे में ले जाकर उसको क्या कर रहा है, भटक जाना, ठीक है, रेड हियरिंग। ओके, क्योंकि उसको डाइवर्ट हाँ कर देना सर, आप। तो वही तो कह रहा है कि यदि हम स्कूल में जाने की योनि शिक्षा पढ़ते हैं तो छात्र अधिक क्या करें, सेक्स करेंगे, यदि छात्र अधिक सेक्स करेंगे तो क्या है, अनुजीत गर्भधारण और योनि संचारित रोगों का प्रकोप होगा, छात्रों सर को इसमें स्कूल। कि सर सर एक मिनट सर, इसमें क्या भटका रहा है? अब जैसे इन्होंने एग्जांपल दे कि वो छात्र को पकड़ता है टीचर, तो भटका रहा है वो टीचर को, पर इसमें कहाँ भटका रहा है हमको, कौन सा टॉपिक है जिससे हम भटक रुको रहे रुको हैं? रुको रुको, लास्ट में क्या करा है, छात्र के स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, इसमें क्या छात्र के, वो तो बात क्या और ही था सेक्स के बारे में, स्कूल छोड़ने के बाद कहाँ से आ गया फिर, और के जीवन में कभी भी सफल नहीं होने का मौका नहीं मिलेगा, ये कैसे हो गया, भटका नहीं रहा है, बताओ मुझे। पहले हाँ सर, तो वो कह रहा है सेक्स के बारे में कह रहा है, दूसरे क्या कह रहा है कि स्कूल छोड़ना होगा, मजबूर कर दिया, उसे जीवन में सफल नहीं होगा, भाई मेरा जीवन से मेरा सेक्स का क्या लेना है फिर, तो भटका रहे ना। अच्छा हाँ आपने जो सर, कह रहा, ठीक है मैं आपको वो भी दिखा रहा हूँ, रुक जाना एक मिनट, मैं सभी का जो भी जिसका जो क्वेश्चन है करो आज, मैं सबका सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन था कि सर वो वाला कि फिगर वाला जो आपको समझाया कि वो वाला ना, शक्ति जी ने समझाया था शायद, है ना शक्ति जी, हाँ सर, ठीक है मैं यहाँ पर आपका खोल गया यार। अरे देखो फिगर देखो, आपका जो होता हो कि वहां पर जो फिगर था है ना कि आई ए आई था, उसमें मान लो कि वहां पर एक क्वेश्चन था, मान लो मैं ही खुद लेता आई का स्टेटमेंट, मैं खुद ले लेता यहाँ पर, ठीक है आई का स्टेटमेंट ले लेता हूँ मैं, यहाँ पर मैं आई का स्टेटमेंट लेता हूँ नार गुड, ठीक है उसका दिया कि ऑल मैन आर गुड, लास्ट में निकल गया कि शाम जो भी यहाँ पर मैन कमन है, यहाँ पर भी मैन कमन है, ठीक है यहाँ हमारा कोई ह्यूमन है, यहाँ पर गुड है, तो लास्ट में आके शाम ह्यूमन और गुड, मैन यहाँ पर भी है, मैन यहाँ पर भी है, ठीक है यहाँ पर क्या है, फोर्थ फिगर में क्या होता है, प्रेडिकेट कहाँ पर आता है, फोर्थ फिगर में क्या होगा कि फोर्थ फिगर में हमेशा क्या होता है,
कहाँ पर आता है? मिडिल टर्म कहाँ पर है? प्रीडिकेट में आता है। और क्या आता है? मिडिल टर्म कहाँ पर आता है? सेकंड प्रीमाइस में। मिडिल टर्म सब्जेक्ट में आता है, जहां पर एस पी एस का फिगर होता है। तो क्या होता है वो? फोर्थ फिगर ही तो होता है। फोर्थ फिगर क्वेश्चन तो ये था हमारा। क्वेश्चन जो था ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन तो ये तो था। आपने ये वाला देख लिया था कि आपने लास्ट के कन्फ्यूजन देखा, कन्फ्यूजन हो गया था आपने कि शाम चेयर आर बेडशीट। आपको ये तो देखना ही नहीं था। आपको देखना दो था चेयर, यहाँ पर कार्सन है, कार्सन है दो, आपका मिडिल टर्म है। यहाँ पर मिडिल टर्म जो है कहाँ पर है? प्रेडिकेट में है। मिडिल टर्म सब्जेक्ट में है, तो प्रेडिकेट में क्या होता है? पी एस फिगर। तो क्या होता है? फोर्थ फिगर ही तो होगा। आंसर आपका यही तो होगा, ये आई है फोर्थ फिगर। ठीक ही तो आंसर दिया। ठीक है, ओके, चलो। हाँ सर, उम्मीद करता हूँ आप सभी का, जिसका जिसका कन्फ्यूजन था शायद सबकी का मिट गया है, और आपका शायद क्लास बोरिंग भी लग चुका हो। तो इतना घंटे क्लास ले लिया मैंने, बहुत टाइम ले लिया सभी का, उसके लिए माफी भी चाहूंगा। नहीं सर, अच्छा रिवीजन हो गया हमारा। थैंक यू सर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जो एग्जाम है उसके लिए बहुत अच्छी तैयारी करो। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। नमस्ते साक्षी जी, सभी को मेरे ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी जी आरएफ करें और अपना बेस्ट दें। ठीक है, मनीषा जी, मेघा जी, नेहा जी, पवन जी, पुष्पा जी, सभी को मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, भगवान से मैं प्रार्थना करूंगा आप सभी का जी आरएफ हो जाए इस बार। ठीक है, सर मुझे एक दो क्वेश्चन में डाउट रहेगा सर, फिर कॉल करके मैं पूछ लूंगा ना सर, एक दो ठीक है। क्वेश्चन में, आप क्योंकि सर मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल करना, पर्सनली मैं बोल दूंगा। ठीक है, ठीक है सर, एक दो क्वेश्चन में कभी कभी डाउट होता है सर। जो भी ओके क्वेश्चन सर, डाउट है, किसी का डाउट होगा तो मुझे कॉल कर लेना, तो मैं हाँ आपको जी, बोल दूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। ओके सर, ओके सर, चलो, बाय बाय, टेक केयर, अपना अच्छे ध्यान रखें। साक्षी जी, नेहा जी, एग्जाम है नजदीक, ध्यान रखना।